जल्दी ऐड हो जाइए सब लोग, ठीक है। तो मैं इलेक्ट्रिकल की फैकल्टी हूँ और कल हम लोगों ने सिलेबस डिस्कस किया था और बेसिकली इलेक्ट्रिकल सर्किट के बारे में डिस्कस कर लिया था। और भी बच्चे ऐड होते जा रहे हैं। ठीक है, ओके, तो वी शुड स्टार्ट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल सर्किट की हम डेमो के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है बेटा, जितने भी क्वेश्चंस हो प्लीज मुझे चैटिंग भी बात कर लीजिएगा, जो कि मैं माइक का यूज कर रहा हूँ। जिसके माइक का यूज इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की आपको आवाज़ मिल पाए, क्योंकि कल एक प्रॉब्लम भी आई थी कि बहुत सारे बच्चे अनम्यूट थे, तो मैंने इस बार म्यूट कर दिया है कॉल को। कोशिश बार यही है कि सबके सब ऑल हो म्यूट हो जाएं। ठीक है, मीनवाइल बच्चे ऐड हो रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम हम दे सकते हैं बच्चों को ऐड करने में। ओके, तो आई थिंक दैट्स द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट द क्लास। ठीक है, जितने भी आपको अगर बीच बीच में क्वेश्चंस आए या कुछ भी डाउट हो, वैसे तो हम टाइम देंगे बीच बीच में पूछने के लिए, बट अगर आप लोग को कुछ भी डाउट हो तो आप चैट के थ्रू पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग इलेक्ट्रिकल सर्किट में डेमो की बात कर रहे थे, कल हम लोग देखा भी था डेमो क्लासेस। तो डायरेक्टली हम इसी में चलते हैं। ठीक है, तो हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल में। प्लीज पेन कॉपी ले के चलिएगा, क्योंकि नोट्स भी बनाते चलिएगा। नोट्स हम प्रोवाइड भी करेंगे, बट अगर आपका नोट्स आपके हाथ से बनाए होंगे क्लास में तो आपको ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा और ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट आप अकोपाई कर पाओगे। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, हमने बताया था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट के बारे में बात कर रहे थे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में हमारे सबसे पहले आता है क्या चीज़, करंट। तो व्हाट इज करंट, कल हमने लिखवाया भी था, प्लीज आप लोग भी लिखते चलिएगा करंट क्या है। नेक्स्ट कलर यूज कर लेते हैं, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं आई से। ऑल यू नो इट्स रिप्रेजेंटेड बाय आई एंड इट इज नथिंग बट दी, इट इज दी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। प्लीज कॉपी पेन यूज कीजिए, ठीक है, क्योंकि आप लिखते भी चले हैं, क्योंकि ये सब्जेक्टिव पेपर भी होता है और ऑब्जेक्टिव पेपर भी आता है, तो मोस्टली आपको इसमें तैयारी करनी पड़ेगी। और मैं बताता भी जाऊंगा कॉन्सेप्ट के साथ साथ कि कहाँ आपका क्वेश्चन बनेंगे, किस किस टॉपिक से। जैसे मैंने ये लाइन में लिखवाई तो वो क्वेश्चन कैसे बनेगा, कल मैंने बोला भी था एक क्वेश्चन आया हुआ है, तो आई आई रिप्रेजेंटेड बाई क्यू बाई टी, दैट इज ए रेट ऑफ चेंज ऑफ विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, हम चेंज कर रहे हैं। तो क्यू क्या है यहाँ पे, क्यू इज माई चार्ज, क्यू इज माई चार्ज। एंड वॉट अबाउट टी, टी इज माई टाइम। ऑल यू नो इलेक्ट्रिकल क्वान्टिटी में चार्ज होता है, चार्ज कैन बी पॉजिटिव, चार्ज कैन बी निगेटिव। ठीक है, फिर चार्ज, वन सेकेंड, आई थिंक दैट ओके। ठीक है, चार्ज मीनवाइल आप लोग देखते रहिएगा। ठीक है, तो हाँ, इसमें हमें एक चीज रखना है, जो चार्ज होगा उसकी यूनिट क्या होगी, आपको पता है, आपको पता है चार्ज की यूनिट क्या होती है, इट्स कूलॉम्ब। ठीक है, इट्स नथिंग बट कूलॉम्ब। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सी से। चार्ज की लिए चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलॉम्ब। इसको रिप्रेजेंट करते हैं सी से। और यहाँ टाइम जो लेंगे, टाइम हमेशा लेंगे इन सेकेंड, याद रखना। कुछ बच्चे टाइम को लेते हैं मिनट्स में, नहीं लेना है। जब भी हम करंट की बात करेंगे तो चार्ज, चार्ज इन वन सेकेंड कितना फ्लो हुआ है ये हम बात करते हैं। तो करंट का हम लोग यूनिट क्या बोल सकते हैं, इट इज नथिंग बट कूलॉम्ब पर
सेकेंड, कूलॉम्ब पर सेकेंड, बट करंट की यूनिट डिफाइंड होती है विच इज नथिंग बट एम्पियर, एम्पियर, ठीक है, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एसी, है? तो करंट की यूनिट क्या होती है, कूलॉम्ब पर सेकेंड या फिर एम्पियर, दोनों होती है। कुछ बच्चे भूल जाते हैं, ऑप्शन में आता है क्वेश्चन कि करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर नहीं दिया होता है, कूलॉम्ब पर सेकेंड दिया होता है, और कहीं दिया होता है कूलॉम्ब पर मिनट, कूलॉम्ब पर मिनट नहीं होती है, कूलॉम्ब पर सेकेंड होती है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये करंट के बारे में है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, करंट के क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं कैसे आता है। तो प्लीज एक न्यूमेरिकल हम लोग न्यूमेरिकल साइड बाय साइड करते रहेंगे, इससे आपको पता लग जाए, ठीक है। तो एक न्यूमेरिकल आप लिखिए, प्लीज सब लोग न्यूमेरिकल लिखने की कोशिश कीजिएगा, मैं न्यूमेरिकल बोल रहा हूँ। एक करंट आपको गिवेन है 0.5 एम्पियर की, करंट आपको गिवेन है, इट इज 0.5 एम्पियर, और आपको गिवेन है कि 0.5 एम्पियर की करंट जो है वो एक इलेक्ट्रिक बल्ब में फ्लो कर रही है, 0.5 की एक करंट इलेक्ट्रिक बल्ब में फ्लो कर रही है, ठीक है, किसमें फ्लो कर रही है, इलेक्ट्रिक बल्ब में। तो प्लीज क्वेश्चन लिखते रहिएगा, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, तो आप बस याद रखिएगा कि क्वेश्चन है ये कि एक 0.5 की करंट, 0.5 एम्पियर की करंट एक इलेक्ट्रिक बल्ब में, लेट सपोज दैट फॉर 10 मिनट फ्लो कर रही है, फॉर 10 मिनट फ्लो कर रही है, तो आपको बताना है कि व्हाट इज चार्ज, व्हाट इज चार्ज, ठीक है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आपको मैं एक मिनट दूंगा, प्लीज लगाने की कोशिश कीजिएगा, एक मिनट दूंगा तो प्लीज लगाने की कोशिश कीजिएगा। मैंने कलर चेंज कर दिया है, सॉल्यूशन में हम जाएंगे, ठीक है। आई थिंक दैट आप लोगों ने सिंपली पकड़ा होगा। आपको पहले देखना है कि अगर मुझे कोई क्वेश्चन दिया गया है तो सबसे पहले मैं उसको नोटेशन में लिख पाऊँ। नोटेशन मतलब कि करंट किसमें दी गई है, एम्पियर में, तो करंट की नोटेशन क्या होती है, आई, तो हमने तुरंत लिख लिया 0.5 एम्पियर। फिर हमें क्या डेटा गिवन है, फॉर 10 मिनट, 10 मिनट मतलब कि टाइम गिवन है, टाइम मतलब कि रिप्रेजेंट करते हैं टी से, 10 मिनट। बट अभी हमने बोला कि अगर हम करंट की बात करते हैं तो हमारा टाइम कितना होता है, इन सेकेंड, तो हम लोग मिनट को सेकेंड में बदल सकते हैं। आपको पता है एक मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो 10 मिनट में कितने सेकेंड हो गए, 10 × 16 600 सेकेंड, एज सिंपल एज दैट, 10 × 16 600 सेकेंड। तो हमें क्या निकालना है, चार्ज मतलब कि क्यों निकालना है हमें, तो वेरी बेसिक थिंग, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, I equals to Q by T, आया वो क्वेश्चन है, I equals to Q by T, I equals to Q by T, ठीक है। तो यहाँ से Q कितना निकलेगा, Q equal to, यहाँ से जस्ट क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, I into T, तो I हमारे पास कितना है, 0.5 एम्पियर, और टी हमारे पास कितना है, 600 सेकेंड, 600 सेकेंड, तो कितना हो जाएगा, 300 कूलॉम, कितना हो जाएगा, 300 कूलॉम, ठीक है। एनी डाउट रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, सिंपल आते हैं, फॉर्मूला बेस्ड आते हैं, तो इस करंट से ही क्वेश्चन आया हुआ था जेई में, तो मैंने आपको करा दिया। आपको कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए, मैं आपको एक मिनट दे रहा हूँ, अदरवाइज मैं इसको स्क्रीन को रब कर देता हूँ। प्लीज एक मिनट में लिख लीजिए, प्लीज पेन कॉपी के साथ बैठिए, प्लीज, ओके, एनी डाउट रिगार्डिंग दिस तो प्लीज मुझे पूछ लीजिएगा, ओके। सम कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि ग्रुप पे कि एयरटेल और वोडाफोन का 2G नेटवर्क बहुत खराब आता है, ठीक है, तो बेटा इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, ये तो नेट है,
ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं तो ऑब्वियसली नेट प्रॉब्लम करेगा ही, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि जितना हो सके आप अच्छे नेटवर्क का यूज़ कीजिए, क्योंकि कल हमारे यहाँ प्रॉब्लम आ रही थी कि नेट इतनी अच्छा काम नहीं कर रहा था। तो होप सो कि आज के लिए कोई प्रॉब्लम ना आए और आज हमारी अच्छे से क्लास हो जाए, ठीक है। तो मैं इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है। चलिए, तो हमने करंट के बारे में देख लिया, अब हम चलते हैं करंट के बाद हमारा क्या होता है, मीन बेसिकली वोल्टेज। हमने क्या देखना है, वोल्टेज। ओके ओके, मीनवाइल बहुत बच्चे ऐड भी हो रहे हैं तो हमें उसको भी देखना पड़ता है, ठीक है। तो हम वोल्टेज के बारे में बात कर लेते हैं, वोल्टेज, क्योंकि ओके, तो कुछ बच्चे लेट भी आ रहे हैं तो आई होप सो कि वो लोग जल्दी से जल्दी ऐड हो जाएं, क्योंकि ऑनलाइन में प्रॉब्लम होती है कि बच्चे थोड़ा सा लेट भी हो जाते हैं। ओके, तो कोशिश करते हैं, हम वोल्टेज के बारे में बात कर रहे थे। वोल्टेज या इसका दूसरा नाम होता है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। प्लीज कॉपी पेन यूज करते रहिएगा, आपका जितना भी नोट्स है वो आप कॉपी में नोट करते चलिएगा, ठीक है। टेंशन मत लीजिए, हम नोट भी प्रोवाइड कर देंगे, अलग से क्वेश्चन बैंक भी देंगे, क्वेश्चंस भी सॉल्व कराएंगे, और जितना हो सकेगा ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम लोग करते रहेंगे, ठीक है। आई थिंक दैट, एक बार और देख लेते हैं, एडमिट कर लेते हैं बच्चे को एक, ठीक है। समथिंग चैट सर, काइंडली यूज हेडफोन सो दैट वी कैन हियर मोर क्लियरिटी। बेटा मैंने नीतू ने लिखा है कि आपको आवाज़ नहीं आ रही है, आई एम सॉरी फॉर दिस, बट मैंने माइक यूज़ कर रखा है तो ये बेस्ट है, क्योंकि हेडफोन यूज़ करेंगे तो उतना अच्छा आवाज़ नहीं आता है, तो मैंने कोशिश भर कर रखा है। फिर से अगर नहीं आ रही आवाज़ तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं माइक सही कर लेता हूँ, ठीक है। तो अगर आपको नहीं आ रही आवाज़ तो फिर से मुझे चैट पे बोल दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने हेडफोन और सबको म्यूट कर रखा है। एक बार आई थिंक दैट सब म्यूट हैं, मैं एक बार फिर चेक कर लेता हूँ, या एवरीवन इज म्यूटेड। ओके, तो सभी म्यूट हैं, मैसेज भी आ रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, इनकरेक्ट पासवर्ड, व्हाई दिस इनकरेक्ट। ओके, तो प्लीज बच्चों को प्रॉब्लम आ रही होगी। ओके, खैर हम आगे चलते हैं। देखिए ऑनलाइन क्लासेस में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हमारे पास बच्चे आते हैं और किसी के पास पासपोर्ट नहीं पड़ रहा होता है, तो कोई इंटर नहीं कर पा रहा होता है, तो ये थोड़ा बहुत आप लोग को इसको क्या कर सकते हैं, बियर करना पड़ेगा। खैर हम वोल्टेज के बारे में बात कर रहे थे, वोल्टेज क्या होता है। वोल्टेज को हम लोग एनालॉजी ले सकते हैं लाइक वाटर, लाइक वाटर। व्हाट इज वाटर, लेट सपोज दैट एक परफेक्ट हॉरिजॉन्टल प्लेन है, एक परफेक्ट हॉरिजॉन्टल प्लेन है बेटा, ये प्लेन है मेरे पास, जमीन है, एक परफेक्ट हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मतलब एक एकदम प्लेन है, एकदम सीधी जमीन है, तो वहाँ अगर वाटर लगा होगा, ये मान लीजिए वाटर है, आई डोंट थिंक सो कि आप लोगों को वाटर का इतना लग रहा होगा, बट मान के चलिए, मान के चलिए कि ये वाटर है, ठीक है। नेटवर्क इज ओके और नॉट, आई एम नॉट गेटिंग, ओके, क्योंकि नेटवर्क भी मेरे यहाँ भी थोड़ा बहुत स्लो हो जा रहा है, तो आई थिंक सो कि आपके नेटवर्क आ रहा होगा, ठीक है। खैर मैं बता रहा था कि आप एक प्लेन ले रहे हो, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है और एक वाटर रखा हुआ है, लेट सपोज दैट, तो आप ये मान के चलो कि जैसे ही वाटर रखा होगा फ्लो नहीं करेगा, नो फ्लो, नो फ्लो। अगर आपको इसको फ्लो कराना है
तो कहीं ना कहीं टिल्ट होना पड़ेगा. टिल्ट इन द सेंस लेट सपोज दैट इट इज सम पार्टिसिपेंट इज देयर. नो सम चैट इज देयर सर फेसिंग प्रॉब्लम साउंड नॉट क्लियर. बच्चे मैंने साउंड के लिए कोशिश कर रहा हूँ. मैंने फिर से आपके आपका साउंड का प्रॉब्लम बता रहे हैं लीटू जी. मैंने ना बच्चे कोशिश भर तो फिर से मैंने माइक से ही कर लिया है. तो प्लीज़ आप लोग कोशिश कीजिए कि और क्लियरिटी सुनने कोशिश कीजिए. मैं माइक को ऊपर ही रख लेता हूँ, अपने हाथ पे ही पकड़ रहा हूँ माइक को, ठीक है, जिससे कि आप लोग को और क्लियर हो जाए. ठीक है, तो मैं माइक को थोड़ा सही कर लेता हूँ. इसीलिए मैंने हेडफोन यूज़ नहीं किया है, क्योंकि हेडफोन में प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, और इसमें फ्लो भी टूट जाता है पढ़ना पढ़ाने का. ठीक है, तो मैं बता रहा था, मान लीजिए एक टंकी है, वाटर टैंक है, टैंक है, उसमें वाटर है. लेट सपोज दैट यहाँ हमने एक पाइप लगा दिया या होल कर दिया, कुछ भी बोल सकते हैं, होल कर दिया या पाइप कर दिया, तो वाटर फ्लो हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा. तो जब वाटर प्लेन हॉरिजेंटल था तो वाटर फ्लो नहीं था, बट जैसे ही प्लेन में टिल्टनेस आ गई, टिल्टनेस मतलब कि थोड़ा बहुत टेढ़ा हो गया, तो वाटर निकल आया, वाटर फ्लो होना शुरू हो गया. तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दिस लेयर एंड दिस लेयर, है ना. तो एक डिफरेंस होगा तभी जा करके वाटर फ्लो होगा. जब डिफरेंस नहीं था, ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों ही सेम थे, तो आप कह सकते हो कि वाटर फ्लो नहीं हो रहा था. जैसे ही ये पॉइंट और ये पॉइंट में डिफरेंस आ गया एक हाइट का, वाटर फ्लो हो गया. तो देयर इज नीड ऑफ डिफरेंस, तभी वाटर फ्लो होगा. तो वैसे ही करंट क्या होता है, चार्ज फ्लो. तो करंट फ्लो करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, एक डिफरेंस, जिसे हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस. क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज, जिसे हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वी से. पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज जिसे हम बोलते हैं वी से, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल होता है दिस वे. दिस इज अ बैटरी, है ना. ओके, क्लियरली आई थिंक दैट दिस इज अ बैटरी. यहाँ पर आया था, दिस इज अ बैटरी, इसे वी की बैटरी बोलते हैं. तो दिस इज ए पॉजिटिव साइड, दिस इज निगेटिव साइड. पॉजिटिव मतलब कि हायर साइड, निगेटिव मतलब कि लोअर साइड. दिस इज हायर वोल्टेज, दिस इज लोअर वोल्टेज. तो जब हाई लो एक डिफरेंस आ गया, तो यहाँ पे करंट फ्लो कर जाएगी, यहाँ पे करंट फ्लो कर जाएगी. दिस इज कॉल्ड वोल्टेज. अब आप समझ में आ गया कि क्यों इसे पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं हम लोग, क्यों नॉर्मली हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, क्योंकि ये दो वोल्टेज के बीच का, दो पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस होता है. अगर दो सेम वोल्टेज होगा तो कभी भी करंट फ्लो नहीं करेगी. करंट फ्लो करेगी जब एक साइड हायर वोल्टेज होगा, इसे हम पॉजिटिव बोलते हैं, एक साइड लोअर वोल्टेज होगा तो हम इसे निगेटिव बोलते हैं. ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए. एक और प्रॉब्लम बच्चों में आती है, बच्चे कहते हैं सर ये तो पॉजिटिव साइड है, ये निगेटिव साइड है. लेट सपोज दैट हम 5 वोल्ट की बैटरी बोल रहे हैं, ये 5 वोल्ट की बैटरी है, तो सर ये साइड अगर हम लोग 0 मान चले, ग्राउंड माने, और ये साइड 5 वोल्ट माने, सर देखो ये पॉजिटिव, ये 0 नेगेटिव, तो मैं बोल सकता हूँ ये भी 5 वोल्ट की बैटरी होगी. इससे हम बोल रहे हैं -3 वोल्ट, है ना, दिस इज ए माइनस एंड दिस इज ए -8 वोल्ट. अब कहोगे सर दोनों दोनों माइनस कैसे, पॉजिटिव, ये तो पॉजिटिव था, ये तो पॉजिटिव साइड है, तो नेगेटिव वोल्टेज कैसे हो गया. नहीं, मैंने बोला पॉजिटिव मींस पॉजिटिव वोल्टेज नहीं,
पॉजिटिव मीन्स हायर वोल्टेज, तो माइनस थ्री इज हायर देन माइनस एट, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है 5 वोल्ट, इन दोनों का डिफरेंस क्या है 5 वोल्ट। ठीक है, तो वोल्टेज में याद रखिएगा पॉजिटिव साइड का मतलब बिल्कुल नहीं है कि ये पॉजिटिव वोल्टेज है, इसका मतलब है ये निगेटिव साइड से हायर वोल्टेज है। निगेटिव साइड का मतलब क्या है, निगेटिव साइड का मतलब है कि ये लोअर वोल्टेज है। ठीक है, क्योंकि बच्चों की बहुत कंफ्यूजन होती है कि सर ये पॉजिटिव साइड है तो यहाँ पे हमेशा हाई वोल्टेज पॉजिटिव वोल्टेज होगा, यहाँ पे निगेटिव वोल्टेज में कोई पॉजिटिव कोई निगेटिव जैसा कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है। एक्चुअल में वोल्टेज में केवल हायर वोल्टेज और लोअर वोल्टेज होता है, जहाँ प्लस लिखा होता है वो हाई वोल्टेज होता है, वहां से करंट निकलती है, जहाँ माइनस लिखा होता है वो लोअर वोल्टेज होता है, वहां करंट इंटर करती है। इतना सिंपल सा होता है, समझ में आ गया। ठीक है, वोल्टेज में और बात करते हैं, पहले इतना नोट कर लीजिए। ठीक है, प्लीज पेन कॉपी के साथ बैठिए, क्योंकि मैं बिल्कुल चाहता हूँ कि आप लोग जितना भी यहाँ पढ़ाया जा रहा है आप लिखते भी चलो, क्योंकि ट्रस्ट में जितना भी आप लिखते चलोगे उतनी ही जल्दी आप समझ जाओगे। जब आप अपने नोट्स रिकॉल करोगे तो आपको मुश्किल से जितना आपने टाइम लिखने में गवाया होगा उसका 10% भी आपका टाइम नहीं लगेगा उसको रिकॉल करने में। इसलिए जब भी क्लास लीजिए लिखते चलिए। मैं चाहता था यहाँ PDF अपलोड कर देता और उससे पढ़ाना शुरू कर देता, बट वो बहुत बैड तरीका होता है, क्योंकि मेरे ख्याल से उसमें मैं जल्दी जल्दी पढ़ा दूंगा, आप लोग देख लोगे और उसमें आपका कुछ भी भला नहीं होने वाला। भला तभी होना आपका जब आप तुरंत का तुरंत पढ़ते भी लिखते भी चलोगे। ठीक है, खैर मैं इसको रब कर दे रहा हूँ, आप लोग देखते चलिएगा। हम वोल्टेज के बारे में बात कर रहे थे, वोल्टेज को वी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी यूनिट होती है, ऑल यू नो यूनिट इज नथिंग बट वोल्ट्स, इसका सिंबल वी है, यूनिट इज नथिंग वोल्ट्स, और उस यूनिट को भी शॉर्ट में वी ही लिखते हैं, वी ही लिखते हैं। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, वी इज नथिंग बट डी डब्ल्यू बाई क्यू, डब्ल्यू बाई क्यू, डब्ल्यू बाई क्यू, तो वी इज नथिंग बट या पोटेंशियल इज नथिंग बट डी वर्क ऑन चार्ज है। एक चार्ज को हम लोग बोल सकते हैं कि एलिमेंट्री फिजिक्स में आपको पढ़ाया गया होगा कि पोटेंशियल या वोल्टेज क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में एक प्लस क्यू का चार्ज रखा हुआ है तो उस चार्ज के पास एक इनफाइनाइट डिस्टेंस पे एक 1 कूलम का चार्ज आप पास ले जाओ, समझ रहे हो, एक प्लस क्यू का चार्ज रखा है, मैं वोल्टेज की पोटेंशियल की 12th लेवल की डेफिनेशन बता रहा हूँ जिसका आपको यूज नहीं होना है, बट आप समझ लीजिए कि उस समय क्या कैसे वो गंदा सा पढ़ाते थे और आप लोग लिखते चले जाते थे। वो क्या पढ़ाते थे मैं बताता हूँ, वो पढ़ाते थे कि एक प्लस क्यू का एक चार्ज रखा है और आप एक प्लस एक 1 कूलम का जिसे वो लोग बोलते थे एक टेस्ट चार्ज, एक टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट डिस्टेंस से प्लस क्यू चार्ज पे ले जा रहे हैं, तो उसमें ले जाने में जितना वर्क लगेगा उसे W बोलो, तो उसमें एक पोटेंशियल डेवलप होगा जिसे हम लोग बोलेंगे W बाई क्यू। इतनी गंदी सी डेफिनेशन बोलते थे, ठीक है, तो वो डेफिनेशन की जरूरत नहीं है, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है, सिंपली मैं बोलूंगा पोटेंशियल क्या होता है, एक चार्ज को फ्लो कराने में जितना काम करना पड़ा, क्योंकि चार्ज ऐसे तो फ्लो होगा नहीं, कुछ काम करना पड़ेगा, तो जितना काम करना पड़ा उसके रेशियो को हम लोग बोलते हैं वोल्टेज। ठीक है, उसके रेशियो को हम लोग बोलते हैं वोल्टेज, तो उसकी यूनिट आप निकाल सकते हो, वर्क की यूनिट क्या होती है जूल, और चार्ज की यूनिट क्या होती है कूलम्ब। ठीक है, तो वोल्टेज की एक यूनिट क्या आ गई, जूल पर कूलम्ब, जूल पर कूलम्ब।
देखिए वोल्टेज की यूनिट वोल्ट सबको पता होता है, बट आप फंसते हो सेकेंड यूनिट में। ऑप्शन दिया होता है वोल्टेज की यूनिट बताइए और वोल्ट दिया ही नहीं रहता ऑप्शन में। बहुत सारे ऑप्शन दिए होते हैं, उसका एक ऑप्शन होता है जूल पर कूलम्ब, और बच्चे कहते हैं सर वोल्ट तो दिया नहीं था, क्वेश्चन गलत आ गया। तो क्वेश्चन गलत नहीं आया है बेटा, उसमें क्वेश्चन ने अलग तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो ट्राई कीजिए कि आपको समझ में आए कि आपको केवल एक तरीके तैयारी नहीं करनी है, आपको दूसरा ऑप्शन भी पता होना चाहिए, क्योंकि मोस्टली यही बताते हैं वो लोग, वो यही कहते हैं कि बहुत सिंपल क्वेश्चन, वोल्टेज की यूनिट बताइए और वोल्ट दिया नहीं होता है। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल आया मगर क्वेश्चन गलत आ गया, बच्चे कहते हैं। तो क्वेश्चन सिंपल इसीलिए रखा है क्योंकि आपको बताना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आपको पता हो कि वोल्टेज की दूसरी यूनिट भी होती है, उसे बोलते हैं जूल पर कूलम्ब। तो ये आप नोट, जितने भी पॉइंट दे रहा हूँ मैं कोई थ्योरी नहीं पढ़ाऊंगा, थ्योरी अननेसेसरी होती है, ठीक है। जितने भी मैं पॉइंट आपको बता रहा हूँ वो पॉइंट मैं शॉर्ट शॉर्ट वाइज पढ़ा रहा हूँ, और हर एक पॉइंट से एक क्वेश्चन आपके जेई लेवल पे आया हुआ है, ठीक है। तो अलग से जब हम क्वेश्चन बैंक उठाएंगे तब आप देखोगे बहुत जल्दी असाइनमेंट लगते जा रहे हैं, क्योंकि आपके पास जितना ही मटेरियल आ रहा है वो बहुत प्रिसाइज मटेरियल आ रहा है, और जितना भी हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको प्रिसाइज ही मटेरियल दे, ठीक है। तो V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, तो इसकी यूनिट हो गई जूल पर कूलम्ब और वोल्टेज, ठीक है। ओके, कुछ बच्चे बहुत लेट आ रहे हैं तो प्लीज़ लेट मत आइए, क्योंकि ऐसा क्या होता है कि आप रिदम एक तो टूटता है और आप बीच से आते हैं तो आप लोग शायद उतना ग्रैप नहीं कर पाते, ठीक है। सबकी प्रॉब्लम होती है, किसी का नेटवर्क नहीं आ रहा है, किसी की बहुत सारी प्रॉब्लम हैं, तो मैं समझ सकता हूँ, बट कोशिश कीजिए कि ऑन टाइम आइए, क्योंकि मैं 9 बजे से थोड़ा सा पहले चालू कर देता हूँ, इतने चालू कर देता हूँ ताकि आप लोग समझ पाओ अच्छे से, ठीक है। एक क्वेश्चन उठा लेते हैं, क्योंकि हम मेरा मानना है कि क्वेश्चन जैसे जैसे जल्दी हम कर लेते हैं उतनी जल्दी हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो एक टॉपिक पढ़िए, एक क्वेश्चन लगाइए, ठीक है। क्वेश्चन में मैं लिखवा रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है कि एक चार्ज है, एक चार्ज आपको दिया गया है 2 कूलम का, एक चार्ज वो दिया गया है 2 कूलम का, और बोला गया है कि उस चार्ज को 2 पॉइंट्स के बीच में मूव कराते हैं, 2 पॉइंट्स के बीच में मूव कराते हैं, मैं शॉर्ट शॉर्ट लिख दे रहा हूँ, 2 पॉइंट्स के बीच में मूव कराते हैं, तो उसमें वोल्टेज कितना कितना पैदा होता है, वोल्टेज 12 वोल्ट या 12 वोल्ट आपका पैदा होता है, तो बोला जाता है कि आप वर्क डन बताइए कितना हुआ। फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, क्वेश्चन मैंने पूरा नहीं लिखा है, शॉर्ट में लिखने की आदत है। तो क्वेश्चन दिया गया है कि 2 पॉइंट के बीच में एक 2 कूलम का चार्ज जब हम लोग फ्लो कराते हैं तो एक 12 वोल्ट का वोल्टेज पैदा होता है, तो बताइए वर्क डन। तो मैंने बताया सबसे पहले जो लैंग्वेज में लिखा है उसे आप सिंबल के तौर पे लिखो। तो लैंग्वेज में क्या लिखा है, लैंग्वेज में आपका लिखा है चार्ज, ठीक है। लैंग्वेज में अलग कलर यूज कर लेता हूँ, लैंग्वेज में आपका लिखा है चार्ज, तो चार्ज को सिंबल क्या होता है सी, तो आपने लिखा सी इक्वल्स टू 2 कूलम्ब, ठीक है। फिर दूसरा क्या लिखा है, वोल्टेज, वोल्टेज का सिंबल क्या होता है V, तो V इक्वल्स टू कितना दिया गया है 12 वोल्ट है। मैं बता रहा हूँ क्योंकि आपके पास नॉर्मली क्वेश्चन आते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन कैसे होते हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो रिटन लैंग्वेज फॉर्म में लिखे होते हैं, तो आप लोग को सिंबल फॉर्म में उसे लेके आना है, क्योंकि सिंबल फॉर्म में लेंगे तो आपको ज्यादा आसानी होगी, क्योंकि आप तुरंत का तुरंत, 1 सेकंड मैं सबको म्यूट कर देता हूँ, अगर कोई म्यूट नहीं हुआ है तो वो म्यूट हो जाएगा, ठीक है, मैंने म्यूट कर दिया सबको, ठीक है। तो सिंबल के तौर में आपने वोल्टेज लिख लिया 12 वोल्ट। अब आपको पूछा गया वर्क डन, तो वर्क डन का सिंबल क्या होता है W, तो आपको पूछा गया है W। अब आपको इस फॉर्म में अगर क्वेश्चन आपने लिख लिया तो आधा काम आपका हो गया, क्यों,
क्योंकि आपने सी दिया गया, वी दिया गया, डब्ल्यू पूछा गया। सी वी डब्ल्यू के बीच में रिलेशन वाला कोई फॉर्मूला आपको पता है? हाँ पता है। वो फॉर्मूला क्या होता है? वी इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू। अभी आपने पढ़ा तो वी इक्वल्स टू क्या हमने फॉर्मूला पढ़ा, तुरंत रिकॉल किया, डब्ल्यू बाई क्यू। तो डब्ल्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वी इंटू क्यू। तो वी आपका कितना दिया गया है, 12 वोल्ट, और आपको क्यू कितना दिया गया, सॉरी चार्ज को हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, सॉरी, तो क्यू कितना दिया गया है, 2 कूलम। एज सिंपल एज दैट, वी आपको 12 वोल्ट, क्यू आपको 2 कूलम, तो कितना हो गया, 12 इंटू 2 24। बट यहाँ बच्चे गलती कर देते हैं, सर 24 हम लिख के आ गए, नहीं 24 लिख के आ गए, उसके बाद यूनिट उसकी लिखनी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि बिना यूनिट के लिख के आओगे आपको मिलेगा जीरो नंबर। कंपटीशन में तो जीरो नंबर देते, सब्जेक्टिव वाले में जीरो नंबर दे देंगे आपको। तो यूनिट क्या, डब्ल्यू की यूनिट क्या बताई मैंने, जूल, जिसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जे से, या जे लिख दीजिए या जूल लिख दीजिए, तो आपके पास परफेक्ट आंसर आ गया, 24 जून। एज सिंपल एज दैट, कोई प्रॉब्लम? प्लीज एक मिनट दे रहा हूँ, इस स्क्रीन में जितना भी लिखा हुआ है वो सब नोट कर लीजिए, ठीक है? एक मिनट के अंदर थोड़ा सा फास्ट चलिए, क्योंकि मैं खुद ही स्लो स्लो लिखता जा रहा हूँ, जिससे कि आप लोग भी जल्दी जल्दी लिखते चलो, ठीक है? आई थिंक दैट ओके। तो वोल्टेज देखा आपने, करंट देखा आपने, जब हम क्वेश्चंस लगाएंगे तो उसमें और आप देखेंगे कि ये वैसे वोल्टेज करंट और बहुत सारी चीजें हम आगे देखते जाएंगे, ठीक है? तो म्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो प्लीज जितने भी बच्चे हैं वो म्यूट ही रहिएगा, बीच बीच में कोई आता है तो प्लीज बोलिएगा नहीं, क्योंकि इससे क्या होता है, वॉइस वैसे भी क्लियर बच्चों के पास नहीं पहुंच पा रही है, और क्लियर नहीं पहुंचेगी तो दिक्कत होती है। खैर इसको मैं रिरेज कर देता हूँ, आई थिंक दैट। तो आपने करंट देखा, वोल्टेज देखा, उसकी डेफिनेशन देखी, उसके फॉर्मूले देखे, वो ही इम्पोर्टेंट है। देखिए मैं बहुत डीप में नहीं जाना है, हमें केवल उतना पढ़ना है जितना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो हम उतना उतना जरूर पढ़ लें, ठीक है? नेक्स्ट फ्रेश टॉपिक हम चालू करने जा रहे हैं। जितने भी आपके टॉपिक पढ़ेंगे वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, सिलेबस से हट के बिल्कुल नहीं पढ़ना है, क्योंकि सिलेबस में आपको क्लियरली मेंशन है बेसिक्स, तो बेसिक्स लॉ वगैरह क्लियरली मेंशन है, तो हम उसे पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला लॉ आता है ओम्स लॉ। आई थिंक दैट ट्वेल्थ में सबने पढ़ा होगा, डिप्लोमा में भी सबने पढ़ा होगा ओम्स लॉ। इसमें तो आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट भी किया होगा, ठीक है? तो ओम्स लॉ क्या होता है, बेसिकली आपको रिलेशन बताता है किसके बीच में, आपको ये ग्राफिकल अप्रोच है, पहली बात तो आप याद कर लीजिए, ओम्स एक ग्राफिकल अप्रोच है, अप्रोच है, ठीक है, एक ग्राफिकल अप्रोच है। और सम मैसेज इज देयर इन ग्रुप, तो देख लेते हैं कोई बच्चों का है, कुछ बच्चों के साथ प्रॉब्लम हो रहा है कि वो लॉग इन नहीं कर पा रहे हैं, तो वो मैसेज लिख रहे हैं, क्योंकि साइड बाई साइड मुझे ग्रुप में भी देखना पड़ता है कि कुछ बच्चों को प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि कुछ ग्रुप में लॉग इन नहीं हो पाता कुछ बच्चों का, तो वो भी प्रॉब्लम आती है। खैर हम कह रहे थे कि ओम्स लॉ एक ग्राफिकल अप्रोच है, और ओम्स लॉ क्या बताता है, बेसिकली हमें बताता है रिलेशनशिप बिटवीन, ठीक है, मेरी हो सकता है कि राइटिंग बहुत गंदी है, और इसको हम लोग डिजिटल बोर्ड पे लिख रहे हैं तो थोड़ा सा गंदी रहती है, तो रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। तो ओम्स लॉ बेसिकली हमको बताता है, ग्राफिकल अप्रोच है, रिलेशन बताता है वोल्टेज एंड करंट के बीच में। याद रखिएगा ये भी एक क्वेश्चन आया हुआ है कि ओम्स लॉ क्या बताता है, चार ऑप्शन पे, तो आपको बताना है रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, और ये कौन सी अप्रोच है, ग्राफिकल अप्रोच है। ये जितने जितने शॉर्ट पॉइंट्स लिखवाते जा रहे हैं ना, वो एक्चुअल में एक क्वेश्चन है, एक आया हुआ क्वेश्चन ही है, क्योंकि पिछले बहुत सालों के एग्जाम
खासकर हम लोग जो फोकस कर रहे हैं वो अरुणाचल प्रदेश के लिए फोकस कर रहे हैं, उसके अलावा बहुत अलग अलग वेरियस जेई की जो स्टेट जेई के एग्जाम आते हैं उनपे क्या क्या है, तो वो जो क्वेश्चंस के जो हम लोग देख रहे हैं उसमें से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो पॉइंट वाइज आपको लिख पा रहे हैं, ठीक है। तो ये कोई स्टोरी वाली क्लास तो है नहीं, ना आप कोई ट्वेल्थ या डिप्लोमा या बीटेक वाला काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें कंपटीशन की क्लास है, तो कंपटीशन की तरह हम बिहेव करेंगे और जितना भी हो सकेगा तो कॉम्पिटिटिव लेवल पे। एक सेकेंड मैं माइक सही कर लेता हूँ, हो सकता है आप लोग को कल क्लियर आवाज नहीं आ रही हो, तो माइक सेटिंग ओके, ठीक है। तो कंपटीशन लेवल पे जितना भी हो सकता है हम उसको एक प्रिसाइसली नोट्स वाइज बनाते हैं, ठीक है। तो रिलेशन बताता है वोल्टेज एंड करंट के बीच में। तो ओम्स ने किया क्या, तो आपको तो समझना पड़ेगा। ओम्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया, ओम्स ने देखा कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब कि अगर हम एक ग्राफ की बात करें और मान लीजिए एक्स एक्सिस पे हम वोल्टेज ले और वाई एक्सिस पे हम करंट ले, तो ओम्स ने क्या देखा, दूसरा कलर यूज कर लेते हैं। ओम्स ने देखा कि जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाएंगे करंट भी बढ़ेगा एक लीनियर मैनर में, एक स्ट्रेट लाइन की तरह। जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं एक करंट भी बढ़ रहा है, और किस मैनर में बढ़ रहा है, स्ट्रेट लाइन। ये भी पूछा गया है कि जो ओम्स लॉ होता है उसमें वोल्टेज और करंट के बीच का कर्व कैसा होता है, याद रखिएगा स्ट्रेट लाइन क्वेश्चन आया हुआ है, तो स्ट्रेट लाइन होता है। जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे करंट बढ़ेगा एक रेशियो के साथ। तो जब हम लोग प्रोपोर्शनल का कांस्टेंट हटाते हैं तो एक क्या लाते हैं, कांस्टेंट लाते हैं। जब इक्वल टू लगाते हैं आपको पता है तो V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट R जिसे बोलेंगे विच इज नथिंग बट R इंटू आई। तो R क्या है, V बाई आई। R को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑल यू नो R को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। और वो कैसा होता है, एक कांस्टेंट, एक कांस्टेंट, ओके। जेनर ओके जेनर प्लीज जेनर आप एक काम कीजिए, आप मुझे चैट पे, चैट ऑप्शन आपके बगल में होगा उसमें आप लिख दीजिए, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओके चैट पे आप क्वेश्चन लिख दीजिए, क्योंकि मैंने ना बेटा हेडफोन यूज नहीं किया है आपको, डेलीबरेटली मैं हेडफोन यूज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हेडफोन से और आवाज़ ख़राब हो जाती है, इसलिए मैं माइक का यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपकी आवाज़ सुन नहीं पाऊँगा, क्योंकि कल मैं हेडफोन का यूज़ करूँगा, आज मैं माइक का यूज़ कर रहा हूँ, इससे आपको आवाज़ आ जाए, ठीक है। तो आप प्लीज़ चैट पे क्वेश्चन लिख लीजिए जनरल, ठीक है, आपने रेज किया था हैंड, ठीक है। तो कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, तब तक मैं जनरल का क्वेश्चन देख लेता हूँ, अगर उन्होंने लिख दिया हो तो चैट पे लिख दीजिए जेनर। मैं प्रोनंसिएट शायद सही नहीं कर पा रहा हूँ जेनर का, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा आप लोग का अलग होता है नाम वगैरह, ठीक है, हम लोगों से, ठीक है। तो आप प्लीज मुझे चैट पे लिख दीजिए क्वेश्चन। खैर हम लोग R इक्वल टू वी बाई आई बोल लेते हैं, रेजिस्टेंस है जो कॉन्स्टेंट होता है, नॉर्मली कॉन्स्टेंट होता है, आप ये नहीं बोल सकते ये ऑलवेज कॉन्स्टेंट होता है, बट नॉर्मली और आपके कोर्स में ये हमेशा आपको कांस्टेंट ही मिलेगा, नॉर्मली ये कांस्टेंट होता है बट ऑलवेज कांस्टेंट नहीं होता है। तो रेजिस्टेंस एक टेम्परेचर डिपेंडेंट भी होता है, बट आप टेम्परेचर इग्नोर करके चलिए कि टेम्परेचर हमारा वेरी कर रहा है, तो अगर टेम्परेचर डिपेंड वेरी करेगा तो रेजिस्टेंस चेंज होगा, अदरवाइज रेजिस्टेंस हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा। वोल्टेज बढ़ाएंगे तो आपका करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ाएंगे तो वोल्टेज बढ़ेगा, ठीक है। रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा, मटेरियल पे डिपेंड करेगा, किस मटेरियल का आप यूज कर रहे हो, वायर है, कुछ लोग कॉपर का वायर यूज करते हैं, कुछ एल्यूमिनियम का वायर यूज करते हैं, कुछ सिल्वर का वायर यूज करते हैं, ऑब्वियस सिल्वर का कोई यूज नहीं करता, बहुत महंगा है, ठीक है, तो कॉपर यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि वायरिंग में सबसे ज्यादा कॉपर यूज होता है, एल्यूमिनियम भी यूज होता है और भी बहुत सारे मटेरियल का यूज होता है वायर, ठीक है। तो ये मटेरियल पे डिपेंड करता है,
तो हम लोग बोल सकते हैं आर इज नथिंग बट वी बाई आई, या हम लोग बोल सकते हैं दिस इज नथिंग बट स्लोप। तो स्लोप क्या है, वी बाई आई कर्व का स्लोप क्या है, आर। तो एक क्वेश्चन आया था कि आई बाई वी कर्व का स्लोप क्या है, आई बाई वी कर्व का स्लोप क्या है, तो आप बोल सकते हो दिस इज नथिंग बट रेजिस्टेंस। ये क्वेश्चन आया हुआ है, अगर आपने ग्राफ देखा होगा तो आप तुरंत टिक कर दोगे कि I by V कर्व का स्लोप क्या होता है, स्लोप क्या होता है, रेजिस्टेंस। ठीक है, स्लोप इज माई रेजिस्टेंस। तो I ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ बेसिकली बताता है V इक्वल्स टू R इंटू R इज नथिंग बट रेजिस्टेंस, इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। तो अगर डिपेंडेंट, अगर आपका टेम्परेचर बदलेगा तो रेजिस्टेंस भी बदलेगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं रेजिस्टेंस किस किस पे डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस आर इक्वल टू वी बाई आई, तो रेजिस्टेंस क्या होता है, नाम से ही पता लग रहा है कि रेजिस्टेंस क्या करेगा, हमेशा अपोजेस टू फ्लो ऑफ करंट। तो जिसका जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उसका उतना कम करंट होगा। तो आप क्या बोल सकते हो, सबसे अच्छा रेजिस्टेंस किसका होता है, मेटल का। कोई पूछे सबसे अच्छा रेजिस्टेंस किसका होता है, मेटल का, और सबसे घटिया या सबसे खराब रेजिस्टेंस किसका होता है, इंसुलेटर का। इंसुलेटर क्या रखेंगे, सबसे बढ़िया किसका, मेटल, सबसे घटिया किसका, इंसुलेटर। क्यों, क्योंकि इंसुलेटर का रेजिस्टेंस हाई और मेटल का रेजिस्टेंस लो, तो जिसका रेजिस्टेंस कम उसमें करंट ज्यादा, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसमें करंट कम। माइंड इट, तो करंट जितना आप मेटल, मेटल में भी आप लिख सकते हो, ओके, समथिंग इज देयर, ओके, देयर इज सम प्रॉब्लम हियर, आई थिंक दैट जेनर ने कुछ लिखा है, मैं देख लेता हूँ अगर कुछ लिखा हो। जेनर, ओके, जेनर नहीं नाम है इनका, जेमार एटे, जेमार एटे, आपने अपने हैंड उठाया था, तो आप प्लीज क्वेश्चन लिख दीजिए चैट पे। देखिए, हो सकता है आपका कनेक्शन लूज हो रहा हो, मेरी तरफ से भी हो रहा हो, तो उसके लिए प्लीज सॉरी फॉर दिस, क्योंकि थोड़ा बहुत नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है। खैर, हम बोले थे मेटल का रेजिस्टेंस सबसे लो, तो मेटल में करंट सबसे अच्छा, और मेटल में भी सिल्वर का रेजिस्टेंस सबसे कम, लोवेस्ट। याद रखिएगा, क्वेश्चन आया हुआ है कि किसका सबसे कम होता है रेजिस्टेंस, सिल्वर का। तो सिल्वर क्या होता है, करंट के लिए बहुत अच्छा कंडक्टर, तो बेस्ट कंडक्टर क्या हो जाएगा, सिल्वर। ठीक है, और इंसुलेटर जैसे माइका वगैरह वो बैड चीज हो जाएगा करंट के लिए। तो जहां भी हमको इंसुलेशन चाहिए होता है वहां पे हम लोग रेजिस्टेंस हाई वाले मटेरियल यूज करते हैं। पहले भी बोला था मटेरियल पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस नथिंग बट दी अपोजिट दी फ्लो ऑफ करंट। तो जितना ज्यादा करंट रेजिस्टेंस होगा उतना करंट कम फ्लो करेगा। ठीक है, बहुत बेसिक चीजें आप लोगों को पता होगा, प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। मीन वाइल मैं आगे रेजिस्टेंस के बारे में आप लोगों को पढ़ाता हूँ। ओम्स लॉ में बस आप रखिएगा, ओम्स नथिंग बट वी इक्वल्स टू आर इंटू आई, वी इक्वल्स टू आर इंटू आई, वेयर आर इज नथिंग बट रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस में और चीज देखेंगे, अभी हम लोग इतना देखते हैं, रफ कर दें। ठीक है, प्लीज ये मार्क एटे, जो भी आपका क्वेश्चन था आपने अभी तक के लिखा नहीं, आई थिंक दैट आपको आंसर मिल गया है क्या इसका। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ बेटा, मैं माइक से बात कर रहा हूँ, मैं हेडफोन नहीं यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता था आप लोगों को क्लियर कट आवाज आए, तो इसलिए मैं माइक से नहीं यूज कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए
आगे बढ़ते हैं, इसको रफ कर देते हैं, क्लियर कर देते हैं। रेजिस्टेंस के बारे में देख रहे थे, नेक्स्ट कुछ अलग कलर यूज कर लेते हैं, कलर से सही रहता है, थोड़ा सा ठीक ले लेते हैं क्या, नहीं ठीक नहीं लेते हैं, स्मॉल लेते हैं क्या। रेजिस्टेंस के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है, जिसको हम लोगों ने बोला है आर से रिप्रेजेंट किया है, और इसका यूनिट क्या होता है, यूनिट इज नथिंग बट ओम, और इसको शॉर्ट में लिखते हैं इस तरीके से, ओम और शॉर्ट में लिखते हैं इस तरीके से, इस तरीके का सिंबल होता है, ठीक है, यूनिट का सिंबल होता है, सिंबल आर होता है, यूनिट का सिंबल ओम होता है, क्योंकि ओम ने ही डिस्कवरी की थी, ओम एक साइंटिस्ट है, उन्होंने डिस्कवरी की थी ओम लॉ के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस का, तो रेस्पेक्ट के लिए उनको ही रेजिस्टेंस का नाम दे दिया गया, कहा कि आप सिंबल ले लीजिए और आपकी यूनिट आपके नाम से ली जाएगी, ठीक है। तो हमने बोला कि रेजिस्टेंस उस पर डिपेंड करता है मटेरियल पे, लेट सपोज दैट एक वायर है, लेट सपोज दैट वायर है, एक वायर है, एक तरीके से मैं एक वायर ले रहा हूँ, वायर इतना मोटा रहने लगता, मगर मैं बोल रहा हूँ कि वायर एक सिलेंडर फॉर्म में है, तो मान लीजिए वो एल लेंथ का है और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया, कल भी बताया था क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है, एक वायर लिया एल लेंथ का और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए लिया है, और सपोज दैट वो वायर एक मटेरियल का बना हुआ है जिसका रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी जिसे हम लोग रो से रिप्रेजेंट करते हैं, रो, ठीक है, इस तरीके से हम लोग बनाते हैं रो को, हटा देता हूँ मैं, इस तरीके से रो को बनाते हैं, रो इसे क्या बोलते हैं, रो, और इसका यूनिट क्या होता है, महो, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं उल्टा ओमेगा से, ये ओमेगा है, इसके उल्टे ओमेगा से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग बोलते क्या है, ओमेगा, है? तो रेजिस्टेंस यूनिट ओम है, जिसका सिंबल क्या है, ओमेगा, तो इसकी यूनिट क्या है, महो, जिसका सिंबल है उल्टा ओमेगा, इसको हम लोग रेजिस्टिविटी बोलते हैं, जो कि मटेरियल की प्रॉपर्टी है, किसकी प्रॉपर्टी है, मटेरियल प्रॉपर्टी, याद रखिएगा, प्रॉपर्टी है रो, तो मान लीजिए इस मटेरियल का रेजिस्टिविटी रो है, लेंथ एल है और एरिया ए है, तो जो रेजिस्टेंस होगा इस वायर का वो बेसिकली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा एरिया के, इन्वर्सली मतलब वन बाई ए, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ, एल इज नथिंग बट माय लेंथ, फिर जान लिख दे रहा हूँ, किसी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा हो तो एल इज नथिंग बट लेंथ, एंड ए, ए क्या है हमारा, एरिया, बेसिकली एरिया कौन सा, क्रॉस सेक्शन, ये मैंने कल भी बताया था कि क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया आपको समझ में आ गया, तो आर को हम लोग कंबाइनली क्या लिख सकते हैं, प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए, तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो आर क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट लेके आएंगे जिसमें बोलते हैं रो, आर इज नथिंग बट रो एल बाई ए, बहुत इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, इसको स्टार दे दो तीन, क्योंकि इस पे क्वेश्चन काफी आते हैं, तो R इज नथिंग बट रो एल बाई ए, रो एल बाई ए, ठीक है, रो एल बाई ए, एल क्या है लेंथ, ए क्या है एरिया, और रो क्या है, रो इज नथिंग बट रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी, तो इसको लिख लीजिए R इक्वल टू रो एल बाई ए, तो रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड किया, लेंथ ऑफ द वायर, एरिया ऑफ द वायर और रेजिस्टिविटी या मटेरियल प्रॉपर्टी पे, ठीक है, इसके साथ साथ जो रेजिस्टेंस होता है वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, बताया हुआ था कि
हीट इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर. तो दिस इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर डिपेंडेंट. ठीक है, ओके. तो टेम्परेचर डिपेंडेंट कैसे हो जाएगा? ओके, तो इसको हम लोग करते हैं. लेट सपोज दैट आपके पास एक रेजिस्टेंस है एट 0 डिग्री, जिसे हम लोग बोल रहे हैं आर नॉट टी. ये कितने है? 0 डिग्री केल्विन टेम्परेचर पे एक रेजिस्टेंस हमारे पास है आर नॉट टी. लेट सपोज दैट आर नॉट टी, लेट सपोज दैट आर नॉट बोल रहे, लेट सपोज दैट आर नॉट एक टेम्परेचर है जो कि 0 डिग्री केल्विन पे, और हमको एक टेम्परेचर निकाल, एक रेजिस्टेंस निकालना है. फिर से बोल रहा हूँ, एक रेजिस्टेंस है एट 0 डिग्री केल्विन टेम्परेचर पे, उस रेजिस्टेंस को हमने बोला है आर नॉट. ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, आर नॉट कौन सा रेजिस्टेंस है एट 0 डिग्री केल्विन टेम्परेचर, सॉरी केल्विन नहीं, सेंटीग्रेड. फॉर्मिंग आर नॉट कौन सा रेजिस्टेंस है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे. तो अगर हम लोग को एक रेजिस्टेंस निकालना है एट टी डिग्री सेंटीग्रेड पे, ये रेजिस्टेंस कौन सा है एट टी डिग्री सेंटीग्रेड पे, एट टी डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे एक रेजिस्टेंस निकालना है, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे रेजिस्टेंस हमें आर नॉट पता है, और टी डिग्री सेंटीग्रेड पे रेजिस्टेंस हम आर टी बोल रहे हैं. तो आर टी क्या हो जाएगा, आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा टी, वेयर अल्फा, अल्फा क्या बोलेंगे, टेम्परेचर कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट. ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि एक टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस नॉर्मली बढ़ेगा, है अलग अलग मटेरियल पे, अल्फा पे डिपेंड करता है. अगर अल्फा पॉजिटिव, सॉरी बच्चों थोड़ा नेटवर्क चला गया था, सॉरी फॉर दिस, कभी कभी नेटवर्क चला जाता है बीच बीच में. ठीक है, तो अब हम लोग फिर से कोशिश करते हैं, आप लोग फिर से पार्टिसिपेट कीजिएगा. आई थिंक थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया. हेलो, सॉरी नेटवर्क आई थिंक दैट थोड़ा सा चला जा रहा है, जो कि प्रॉब्लम नहीं आने चाहिए थी वो फिर से प्रॉब्लम आ गई है. सो सॉरी. ठीक है, हम फिर से लिखते हैं. नेटवर्क चला गया था, आई एम सॉरी, थोड़ा सा नाइट में नेटवर्क. ओके, अगेन बार बार स्क्रीन ऑफ हो जा रही है, आई डोंट नो व्हाई इट इज हैपनिंग. खैर, हम लोग फिर से कोशिश करते हैं पढ़ने की. ठीक है, स्क्रीन बार बार ऑफ हो जा रही थी, आई एम सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी. अगेन यहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम रात को हो जाती है. ठीक है, तो हम लोग फिर से लिखते हैं, आर टी एक टेम्परेचर टी डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर एक आर है और एक 0 डिग्री टेम्परेचर पे आर नॉट बोल रहे थे,
तो वो कैसे डिपेंडेंट कर रहा था, आर टी इज इक्वल टू आर नॉट वन प्लस अल्फा टी। ये हमने इक्वेशन निकाली थी कि रेजिस्टेंस इज टेम्परेचर डिपेंडेंट आल्सो, है वेयर अल्फा क्या था, टेम्परेचर कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट, ठीक है, अल्फा क्या था, टेम्परेचर कोएफिशिएंट, और आर नॉट क्या था, आर नॉट का रेजिस्टेंस एट 0 degree centigrade, रेजिस्टेंस एट 0 degree centigrade, और आर टी क्या था, आर ऑफ टी क्या था, रेजिस्टेंस एट टी डिग्री सेंटीग्रेड, कितने डिग्री सेंटीग्रेड, टी डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो अल्फा अल्फा पे डिपेंड करेगा कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ रेजिस्टेंस बढ़ेगा या घटेगा। अगर अल्फा पॉजिटिव होगा, अल्फा पॉजिटिव होगा तो ऑब्वियसली टेम्परेचर बढ़ेगा, तो आर ऑफ टी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अल्फा अगर पॉजिटिव होगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो रेजिस्टेंस आर ऑफ टी भी बढ़ेगा। तो अल्फा पॉजिटिव तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जिस मटेरियल का अल्फा पॉजिटिव होगा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, और जिसका अल्फा निगेटिव होगा तो क्या करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो भी ये वाला पार्ट निगेटिव है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा। देखिए इसका मतलब है इंक्रीज करना, इसका मतलब है डिक्रीज करना, ठीक है। तो टेम्परेचर कोफिशियंट पॉजिटिव, टेम्परेचर बढ़ेगा उस मटेरियल का रेजिस्टेंस बढ़ेगा, टेम्परेचर कोफिशियंट नेगेटिव उस मटेरियल का तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। काफी बार पूछा गया है कि पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशियंट होगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा कि नहीं घटेगा। चार ऑप्शन होते हैं कि इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, इंक्रीज डिक्रीज दोनों में से कुछ भी कर लेगा। तो आपका आंसर क्या होगा, अगर पॉजिटिव है तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, निगेटिव है तो रेजिस्टेंस घटेगा। दूसरी तरीके से क्वेश्चन क्या पूछते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप पॉइंट वाइज बना लीजिए। तो क्वेश्चन आया हुआ है कुछ मटेरियल का आपको पूछेगा टेम्परेचर कोफिशियंट, तो याद रखिएगा फॉर कंडक्टर्स, कंडक्टर्स मतलब कि नॉर्मली मेटल्स, मेटल्स का अल्फा क्या होता है, याद रखिएगा पॉजिटिव। काफी बार पूछा गया है कि पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशियंट किसका होता है, चार ऑप्शन थे, लिखा होगा सिल्वर माइका वगैरह वगैरह, तो आपको चूज करना है कंडक्टर, तो कंडक्टर क्या है आपका, सिल्वर, कोई भी मेटल लिखा हो, कोई भी कंडक्टर लिखा हो तो आप तुरंत ही आप बोलोगे कि इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव, या वो बोल दे कि कोई मेटल लिखा हो और पूछ दे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा बढ़ेगा, तो आपको दिमाग लगाना है कि कंडक्टर क्या होता है। अल्फा पॉजिटिव केस, अल्फा पॉजिटिव केस मतलब कि टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टेंस बढ़ेगा, समझ गए क्वेश्चन, फिर से मैं बता रहा हूं, हो सकता है वो अलग तरीके से पूछे, वो कह दे कि कंडक्टर में आपका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या रेजिस्टेंस बढ़ेगा घटेगा, तो आपको दिमाग लगाना है कि कंडक्टर क्या होता है, अल्फा पॉजिटिव केस, अल्फा पॉजिटिव केस में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आप याद रखिए कंडक्टर के केस में अल्फा ऑलवेज पॉजिटिव होता है। फिर नोट डाउन कीजिएगा सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर आप लोगों ने देखा होगा सिलिकॉन जर्मेनियम डायोड बनाते हैं, बीजेटी बनाते हैं, देखा होगा ना, पूरा पूरा इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर डिपेंड करता है, तो सेमीकंडक्टर का अल्फा क्या होता है, निगेटिव, याद रखिएगा।
तो कंडक्टर के लिए टेम्परेचर बढ़ाएंगे, रेजिस्टेंस कंडक्टर का क्या होगा, बढ़ेगा, बट सेमीकंडक्टर के लिए टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा। हो सकता है क्वेश्चन आया हुआ है, पहले भी आया, काफी बार पूछा गया है कि सिलिकॉन का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सिलिकॉन का रेजिस्टेंस क्या होगा। आपको दिमाग लगाना है, सिलिकॉन क्या होता है, सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर का अल्फा क्या होता है, निगेटिव, अल्फा निगेटिव, टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस घटेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस घटेगा। तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये समझना कि रेजिस्टेंस घटेगा कि बढ़ेगा, समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट लेना है, और जितना ज्यादा हम कॉन्सेप्ट समझ पाएंगे उतने क्वेश्चन लगाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, काफी बार पूछा गया है अलग अलग कर करके कि कंडक्टर क्या है, हैं कंडक्टर का बढ़ाएंगे अल्फा घटाएंगे तो कैसे काम करेगा कैसे नहीं करेगा, ठीक है। तो प्लीज आप लोग इसके बारे में याद रखिएगा, देख लेता हूँ मैं, म्यूट है सब लोग, ठीक है, म्यूट है, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने पढ़ाया है, ये काफी बार पूछा जा चुका है कि अल्फा पॉजिटिव के क्वेश्चन बहुत क्वेश्चन, हम क्वेश्चन लगाएंगे ना आपको ऑटोमेटिक पता लगेगा कि ये कॉन्सेप्ट है, वही घिसे पिटे क्वेश्चन बार 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 पूछते रहते हैं, 10 बार 20 बार हर क्वेश्चन हर पेपर में ये आना ही आना है, इस बार भी आएगा आएगा, लिख के ले लो, ये कंडक्टर वाला और सेमी कंडक्टर वाला आता ही आता है, ठीक है। तो बस आपको पॉइंट पता होना चाहिए, ठीक है। तो आगे बढ़े, देख लीजिए, है ना, टॉपिक पढ़ाते जा रहे हैं, उस पर क्या क्वेश्चन आएगा वो कराते जा रहे हैं, फिर पेपर उठाएंगे सॉल्व करना शुरू कर देंगे, खत्म, ऐसे तैयारी हो जाती है, ठीक है। अब हमने इसको रब कर रहे हैं, आई थिंक ना लिखते भी चल रहे हैं, क्योंकि मैं भी लिखते चल रहा हूँ तो आपको सफिशियंट टाइम मिल रहा है लिखने का, ठीक है। तो प्लीज नोटबुक तैयार रखिएगा, ठीक है, और इस नोट्स को हमेशा बचा कर रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, ठीक है। आगे करते हैं, क्लियर आउट करते हैं। तो रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा, आपको रेजिस्टिविटी रो के बारे में पढ़ लेते हैं, हम पढ़ने आ रहे हैं रेजिस्टिविटी रो के बारे में, इसकी यूनिट हमने क्या बताई थी, यूनिट क्या होती है, यूनिट क्या होती है रेजिस्टिविटी की, ओके ओके, यूनिट मैंने बताई थी रेजिस्टिविटी की, मो सॉरी उसको थोड़ा सा उसमें करेक्ट कर लीजिएगा, मो नहीं होती है, मैं आपको दिखाता हूँ क्या होती है, अच्छा उसमें ज़्यादा करेक्ट कर लीजिएगा, मो नहीं होती है, कुछ और होती है, मैं भूल गया था, मिस किया था एक पॉइंट, मैं बताता हूँ कहाँ मैंने गलती कर दी, ऐसी गलती सबके साथ होती है। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, आर का फॉर्मूला क्या होता है, रो एल इंटू ए, तो आपका रो कितना निकलेगा, रो यहाँ से निकलेगा आर इंटू ए बाई एल, यहाँ से आप इसकी यूनिट निकाल सकते हैं, रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इंटू ए बाई एल। अच्छा आर की यूनिट क्या बताई थी मैंने, आर की यूनिट बताई थी, क्या बताई थी, ओम, अब इसकी यूनिट मत लिखिएगा, महो जो लिखी थी ऐसे लिखी थी वो भी यूनिट होती है, इसकी यूनिट एक और होती है वो मैं बताता हूँ, एक तो महो होती है जो मैंने बताई थी, एक और यूनिट होती है वो मैं बताता हूँ क्या होती है। अच्छा आर की यूनिट क्या होती है, ओम, ए ए एरिया, एरिया की यूनिट क्या होती है, एरिया इज नथिंग बट लेंथ इंटू ब्रिथ, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई की यूनिट, लेंथ की यूनिट कितनी होती है मीटर, और ब्रिथ यानी चौड़ाई की यूनिट क्या होती है मीटर, तो मीटर इंटू मीटर, तो एरिया की यूनिट क्या होती है, एरिया की यूनिट क्या होती है मीटर स्क्वायर अपॉन लेंथ, लेंथ की यूनिट क्या होती है मीटर, तो एक मीटर से मीटर कट गया कितना आ गया यूनिट ओम मीटर, तो इसकी यूनिट क्या होती है महो, महो या फिर हम लोग बोल सकते हैं सॉरी इसकी यूनिट क्या होती है महो या कि हम बोल सकते हैं ओम मीटर, क्या हम बोल सकते हैं ओम इंटू मीटर, ठीक है। तो डाउट है, दिस इज ओम मीटर, दिस इज महो, तो दो यूनिट पढ़ाई मैंने, एक तो महो एक ओम मीटर, ओम मीटर,
एनी डाउट? केवल महो यूनिट नहीं होती है, ओम मीटर यूनिट होती है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आया हुआ, जितने भी आपको पॉइंट लिखवा रहे हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, उसी पे लिखवा रहे हैं। थैंक यू तारक। ओके प्लीज ऐसे ही मुझे कमेंट पे थंबनेल या आप थंब भी कर सकते हो, जिससे मुझे पता लगता है कि आपको समझ में आ रहा है। देखिए अच्छा लगता है, ठीक है, कि आपको समझ में आता रहता है, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी के बारे में बात करते हैं। तो मैंने बोला रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करता है? मटेरियल पे, मटेरियल पे डिपेंड करेगा। मटेरियल इन द सेंस इट इज डिपेंड्स ऑन उस मटेरियल की लेंथ कितनी है, उस मटेरियल का एरिया कितना है, एंड ऑल्सो उस मटेरियल का नेचर क्या है, ठीक है। नेचर इन द सेंस सॉरी, वो मटेरियल किसका बना है, एल्युमिनियम का है, मेटल का है, इंसुलेटर का है, सेमीकंडक्टर है, कुछ भी हो, तो वो उस मेटल मटेरियल कौन सा है, उसका एरिया कितना है, उसके लेंथ क्या है, उन सब पे क्या डिपेंड करेगा, आपकी रेजिस्टिविटी। तो टोटली मटेरियल पे डिपेंड करती है। मटेरियल बदल दीजिए, रेजिस्टिविटी बदल जाएगी। मटेरियल का साइज चेंज कर दीजिए, उसका शेप चेंज कर दीजिए, रेजिस्टिविटी बदल जाएगी। समझ गए? इन द सेंस मैं बोल सकता हूँ कि अगर आपने एक सर्किल लिया है, एक कॉपर के वायर का, और उसी कॉपर के वायर को सर्किल को ब्रेक कर दिया, एक वायर कर दिया, वही कॉपर का वायर, तो इसकी रेजिस्टिविटी अलग होगी। लेट सपोज रो वन है, इसकी रेजिस्टिविटी अलग हो गई, रो टू सेम वायर था, जस्ट इसका शेप चेंज कर दिया, तो इसका एरिया चेंज हो गया, तो रेजिस्टिविटी रो वन रो टू हो गई है। लेंथ चेंज कर दी तो रेजिस्टिविटी बदल जाएगी। आपका मटेरियल चेंज हो गया तो भी आपकी रेजिस्टिविटी बदल जाएगी। तो रेजिस्टिविटी टोटली डिपेंड्स ऑन मटेरियल, ठीक है। तो इस टॉपिक से इतना ही आएगा आपको। देखिए आपको लग रहा होगा सर बहुत कम कम पढ़ा रहे हैं टॉपिक के बारे में, हमारे ट्वेल्थ में या डिप्लोमा में तो बहुत सारा पढ़ाया गया था। देखिए आपको जेई लेवल पे जिस टॉपिक से जितना आता है उतना ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मैं आपको बड़ा बड़ा ए लेवल का नहीं पढ़ाना है, ए लेवल का जब आप कोर्स ज्वाइन करोगे तो ए लेवल का पढ़ाएंगे। अभी आपको जेई लेवल पढ़ना है तो आपको बस केवल पता होना चाहिए कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस नोट्स पावरफुल बने होने चाहिए, तो आपको उतना ही मटेरियल पढ़ाया जाएगा। आप जब क्वेश्चन करोगे तो आपको पता रहेगा कि इतने पढ़ाने से मेरे सारे क्वेश्चन लग रहे हैं, तो फिर आपको मजा आएगा, है ना। गैप मीनवाइल जितना मैंने आपसे बोला उतनी देर आपने लिख लिया होगा। देखिए मैं बीच में बातें तब करता हूँ जब आपको लिखने टाइम देता हूँ, तो आप बीच में लिख भी लिया करिए, ठीक है। ठीक है तो इसको क्लियर कर देते हैं, चले आगे। ओके तो आपने क्या क्या होगा पढ़ लिया, आपने करंट पढ़ लिया है, वोल्टेज पढ़ लिया, समबडी इज देयर जनरेटर। ओके अरे मैं बहुत बच्चे बार बार एडमिट हो रहे हैं, आई थिंक वो कनेक्शन लूज हो जा रहा है उनका, तो वो उन बच्चों का मिस हो जा रहा है क्लासेस में, ये बहुत खराब बात है। ऑनलाइन नेटवर्क नहीं अच्छा दे रहे हैं, मोदी जी को कुछ करना चाहिए, ठीक है। खैर आपने करंट पढ़ लिया, पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज पढ़ लिया, रेजिस्टेंस पढ़ लिया, रेजिस्टिविटी पढ़, है? तो आपने लगभग बेसिक आप क्लियर करते हुए चल रहे हो। तो आगे चलते हैं, आगे आपको पढ़ेंगे इंडक्टेंस। को हम लोग बहुत फेमस है, एल से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। जो आप मैटर यूज कर रहे हो या मटेरियल यूज कर रहे हो उसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ठीक है। बेसिकली जो आपसे अगर सच बोलूं तो जो आपका इंडक्टेंस है
वो आपका जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी पढ़ाएंगे तब उसमें ज्यादा अच्छे से पढ़ना है। बट नेटवर्क में भी इंडक्टर आता है, नेटवर्क इक्वेशन जब बनाते हैं, नेटवर्क सर्किट बनाते हैं, तो वहां पे इंडक्टर लगा होता है। तो आपको अभी यहाँ पे जो इंडक्टेंस पढ़ाएंगे वो नेटवर्क के अकॉर्डिंग कितना पढ़ाना है वो पढ़ाएंगे। कुछ बच्चे कहेंगे सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाला, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जब टॉपिक पढ़ाएंगे तब उसमें पढ़ाएंगे। ठीक है, इंडक्टेंस दो जगह यूज होगा, एक तो इलेक्ट्रिक सर्किट में और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में। तो वो अलग थ्योरी होगी, अलग थ्योरी होगी, है इंडक्टर सेम ही, बट वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बेसिक को पढ़ाएंगे। यहाँ पे जो नेटवर्क में आता है या इलेक्ट्रिक सर्किट में आता है उसके बेसिक पे पढ़ाएंगे। तो आपसे ये क्वेश्चन आया हुआ है कि किसकी प्रॉपर्टी है, तो मेटेरियल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, अभी तक आपने जो करंट एंड वोल्टेज पढ़ाया है वो किसकी प्रॉपर्टी है, वो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है, बट ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, बेसिकली मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। अगर हम प्योरली बोले तो इट इज नथिंग बट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड है। और एक्चुअल में देखा जाए तो कोई मैग्नेटिक फील्ड कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती। जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी एसी टाइप की, अल्टरनेट टाइप की, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी, और जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगी अल्टरनेट टाइप की वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। मतलब बोलने का मतलब ये है कि जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ चेंज होगी वहां ऑटोमेटिकली मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है, और जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज होती है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑटोमेटिक जनरेट होती है। तो जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी वहां पे कैपेसिटेंस आ जाएगा, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी वहां पे इंडक्टेंस आ जाएगा या इंडक्टर आ जाएगा। ठीक है, अभी आपको एक बड़ा बात बोल दी मैंने, ये आप जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी पढ़ेंगे तब उसमें हम बताएंगे, ये एक्चुअल मैक्सवेल लॉ है, मैक्सवेल ने बताया था, तब उसमें बताएंगे। क्या अभी जितनी बात अगर नहीं समझना है तो उसको छोड़ दीजिएगा, बहुत आगे की बात मैंने पढ़ा दी, बट जस्ट मैं बेसिकली बता रहा था। ठीक है, खैर इंडक्टर की बात करते हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, इसका सिंबल होता है एल। एल को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडक्टर है? जिस जिस मटेरियल पे इंडक्टेंस होगा उसे इंडक्टर बोलेंगे, जिस डिवाइस पे इंडक्शन होगा उसे इंडक्टर बोलेंगे। तो एल डिपेंड करता है, एल के साथ एक और प्रॉपर्टी गिवन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा, मैं पहले स्टार लगा दे रहा हूँ उस पॉइंट के लिए। जो इंडक्टर होता है, इंडक्टर या एल अपोजेस, लिखते चलिएगा, अपोजेस दी सडन चेंज, सडन SUDDEN, सडन चेंज इन करंट पासिंग थ्रू इट, करंट पासिंग थ्रू इट। इसका मतलब क्या है कि आपका एक इंडक्टर है, इंडक्टर को हम लोग कैसे सिंबल करते हैं, इस तरीके से सिंबल करते हैं, क्वाइल बताते हैं, दिस इज इंडक्टर क्वाइल है। इंडक्टर क्या होता है, अगर आपको सही बात इंडक्टर जानना है तो अगर हम मेटल लें और उसको राउंड 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 कर दें लाइक स्प्रिंग, अगर हम लोग मेटल की स्प्रिंग ले तो वो इंडक्टर है। स्प्रिंग हमने देखा होगा, तो स्प्रिंग इज नथिंग बट इंडक्टर है। जैसे मान लीजिए ये है, इस पर हम लोग स्प्रिंग राउंड कर दें, रैप कर दें, लपेट दें, तो इंडक्टर भी है, तो इसलिए इसका सिंबल एल होता है। खैर मैं बताया था इंडक्टर अपोजिट इज सडन चेंज पासिंग थ्रू इट, काफी पूछा गया है कि इंडक्टर क्या करता है, चार ऑप्शन है, इसपे एक ऑप्शन होगा सडन अपोजेस सडन चेंज इन करंट पासिंग थ्रू इट। सडन चेंज इन पासिंग थ्रू इट का मतलब क्या है, सडन चेंज कब होता है करंट में, करंट कब चेंज होगी आप ही बताओ, करंट कब चेंज होगी, जब करंट कैसी हो, करंट कैसी हो, एसी करंट, एसी मतलब की अल्टरनेट करंट को, अल्टरनेट करंट को जब हम लोग एसी करंट पास करेंगे, एसी करंट पास करेंगे, करंट पास करेंगे तो वो क्या करेगा, इंडक्टर क्या करेगा, ओपन सर्किट हो जाएगा,
इंडक्टर ओपन सर्किट। याद रखिएगा, जब हम लोग इसी इंडक्टर में हम करंट कौन सी पास कर दे, एसी करंट, तो इंडक्टर कैसा हो जाएगा, ओपन सर्किट, तो मींस करंट फ्लो नहीं करेगी, करंट क्या हो जाएगी, जीरो एम्पीयर। अगर करंट कैसी है, एसी करंट है, फिर से बोल रहा हूँ, सडन चेंज, सडन मतलब कि तुरंत चेंज कब होगा, जब वो अल्टरनेट करंट होगी या एसी करंट होगी, तो इंडक्टर एसी करंट को फ्लो नहीं करेगा। जब भी आप किसी भी सर्किट में इंडक्टर लगा होगा, अगर आप एसी करंट पास करेंगे तो सर्किट क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट, दिस इज नथिंग बट ओपन सर्किट, है कि नहीं। तो आप दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हो कि करंट इंडक्टर में एसी करंट नहीं फ्लो होती है, तो एसी करंट डजंट पास थ्रू इंडक्टर। ये काफी बार पूछा गया है कि इंडक्टर में एसी करंट पास होती है, डीसी करंट पास होती है, एसी डीसी दोनों होती है, दोनों में से नहीं होती, तो आपका क्या ऑप्शन होगा, सर एसी बिल्कुल भी नहीं पास हो सकती, एसी बिल्कुल भी नहीं पास हो सकती, तो क्या पास हो सकती है, मैं दूसरा कलर यूज कर लेता हूँ, ऊपर लिख दूं चलेगा, तो आप याद रखिएगा, डीसी करंट ओनली passes through inductor, है कि नहीं। तो तीन पॉइंट इंपॉर्टेंट है, करंट जो है सडन चेंज इन करंट को अपोज करता है इंडक्टर, फर्स्ट पॉइंट, इंडक्टर सडन चेंज इन करंट को अपोज करता है, उसी को दूसरी लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं, करंट इंडक्टर एसी करंट को पास नहीं करता है, उसी को हम लोग तीसरी लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं, जब एसी करंट पास करते हैं तो इंडक्टर ओपन सर्किट हो जाता है, और उसी को चौथी तरीके से क्या बोल सकते हैं कि इंडक्टर केवल डीसी करंट पास करता है। ट्रस्ट मी, ये चार स्टेटमेंट अलग अलग लैंग्वेज के हैं, चारों सेम है, एंड मजे की बात है इस पे चारों ही क्वेश्चन बन चुके हैं और कई बार पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन आया था, चार ऑप्शन दिए गए थे, इंडक्टर की प्रॉपर्टी बताइए, उसमें से एक ऑप्शन था इट अपोजिट दी सडन चेंज इन करंट, ये टिक करना था। दूसरी बार क्वेश्चन पूछा गया, कई बार पूछा गया कि एसी करंट जब फ्लो करती है तो इंडक्टर क्या हो जाता है, चार ऑप्शन थे, ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट, बोथ ओपन क्लोज सर्किट, नन ऑफ दी, तो आपका ऑप्शन क्या था, ओपन सर्किट। तीसरा क्वेश्चन था, वही क्वेश्चन अलग तरह से पूछा गया था कि इंडक्टर क्या पास करता है, AC, DC, both और none of these, तो आपका AC नहीं करता है, DC करता है, तो आप सोचिए एक ही कॉन्सेप्ट है बट उसको चार चार बार अलग अलग लैंग्वेज से पूछा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं बेवकूफ बनाया जा रहा है, ओके, कहीं ना कहीं बेवकूफ बनाया जा रहा है, उसी क्वेश्चन को चार बार पूछेंगे, तो क्या है, हमें वो कॉन्सेप्ट पढ़ा, हमें आ गया कॉन्सेप्ट समझ में, ठीक है, उसी क्वेश्चन को हम 20 बार क्वेश्चन पूछे, उसी क्वेश्चन को हमें एक बार क्वेश्चन पूछे, हमें केवल कॉन्सेप्ट से मतलब था, समझ आया, ठीक है, आ गया। एक बार टाइम दे दीजिएगा, मे बी इंटरनेट स्लो हो सकता है, आई एम नॉट टोटली गेटिंग इट कि स्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है, तो प्लीज मुझे चैट पे बता दीजिए अगर स्लो हो रहा है, ठीक है, आगे पढ़ते हैं।
ठीक है, इसको म्यूट कर देते हैं लोगों को। मैं तो म्यूट नहीं हो गया, चलिए मैं म्यूट नहीं हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इंडक्टर के बारे में ये लिख लिया होगा, प्लीज बता दीजिए, एक बार काम कर दीजिए, लिख लिया है क्योंकि मुझे प्लीज गेट नहीं, गेटिंग नहीं हो रहा है कि आप लोग लिख भी पा रहे हो, क्योंकि ऑब्वियसली ऑनलाइन का एक बड़ा ड्रॉबैक है कि हम सामने से नहीं दे सकते हैं। आप सबके वैसे तो वीडियो भी बंद हैं, तो शायद मुझे पता नहीं लगेगा। खैर मैं इसको रफ करता हूँ, और जिसे भी नहीं मिला है उसे यूट्यूब पे तो हम डाल ही देंगे लाइव क्लासेस, पर रिकॉर्डेड होगा तो वहाँ जाके देख लीजिएगा। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा आपको दे पाऊँ, अच्छे से अच्छा कंटेंट दे पाऊँ, और जिससे आप लोग तुरंत तुरंत एग्जाम निकाल दें। ओके, आगे करें, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हुआ अपोजेस करंट। ठीक है, अब हम इंडक्टर का सिंबल एक बनाते हैं। लेट सपोज दैट एक इंडक्टर है, दिस इज माय इंडक्टर, एक एल का इंडक्टर है, और मान लीजिए एक वोल्टेज के थ्रू जुड़ा हुआ है, एक वोल्टेज है हमारे पास। ठीक है, एक वोल्टेज है जो कि लेट सपोज दैट, थोड़ा सा अलग ले लेते हैं, एक एसी वोल्टेज लेते हैं, एक इंडक्टर है क्योंकि एसी करंट को पास नहीं करता, बस एक ही एसी वोल्टेज को पास करता है। ठीक है, अच्छा ठीक है, एक और चीज लिख लीजिए, उसके अलावा एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, जैसे हमने एसी करंट के लिए कमेंट किया था, लिख लीजिएगा एसी वोल्टेज, वोल्टेज अलाउड, ओके फिर से लिख देता हूँ, इंडक्टर, इंडक्टर अलाउ सडन चेंज इन वोल्टेज, गेटिंग माई पॉइंट, इंडक्टर अलाउ सडन चेंज इन वोल्टेज, प्लीज ग्रैब कर लीजिएगा। सडन चेंज इन करंट नहीं करता है, किसको करता है, सडन चेंज इन वोल्टेज। दूसरी तरीके जैसे क्या बोल सकते हैं, एसी वोल्टेज कैन फ्लो इन इंडक्टर। इसे दूसरी तरीके से क्या बोल सकते हैं, डीसी वोल्टेज कैन फ्लो इन इंडक्टर। तीसरे तरीके से क्या बोल सकते हैं, डीसी वोल्टेज जब हम लोग अप्लाई करते हैं, इफ वी अप्लाई डीसी वोल्टेज इंडक्टर बिहेव लाइक ओपन सर्किट। देखिए, इंडक्टर बिहेव लाइक ओपन सर्किट, आई थिंक दैट आप सबको समझ में आ रहा होगा, इंडक्टर बिहेव लाइक ए ओपन सर्किट। कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी दिक्कत हो, प्लीज मुझे चैट पे बोल दीजिएगा ना, क्योंकि माइक से सही रहता है, आवाज आती है, हेडफोन्स होती है, आवाज और ज्यादा दिक्कत करेगा। ठीक है, आई थिंक दैट माइक थोड़ा सा मैं चेंज कर लेता हूँ, माइक थोड़ा सा सेटिंग गड़बड़ है, माइक की सेटिंग थोड़ी सी चेंज। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा है, मैं भी आवाज थोड़ी सी अच्छी नहीं आई होगी। खैर इसको लिख लीजिए, एक मिनट का आपके पास टाइम है, लिख लीजिए। मीनवाइल आप लोग को कुछ डाउट है तो पूछ लीजिएगा। इंडक्टर के बारे में हम बात कर रहे थे, इंडक्टर लेट सपोज दैट इंडक्टर हम बात कर रहे हैं, एक इंडक्टर एक कॉइल के तौर पर बनाया हमने इंडक्टर, एंड लेट सपोज दैट एक हमने एसी वोल्टेज दिया, एक हमने एसी वोल्टेज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से एक वी वोल्टेज का एसी वोल्टेज लिया, तो ऑब्वियसली एक करंट फ्लो कर रही होगी,
एक करंट फ्लो कर रही होगी, एसी वोल्टेज है, सॉरी ओके, तो एसी करंट इज फ्लोइंग ओके। आई थिंक दैट समथिंग रॉन्ग इज हैपनिंग। ओके गेटिंग ओके, सो देयर इज वी, देयर इज आई एंड देयर इज इंडक्टर एल। तो एक इंडक्टर एल है, आई थिंक दैट सही तो बना है। तो इंडक्टर एल में भी एक वोल्टेज डेवलप हो जाएगा। लेट सपोज है कि वोल्टेज डेवलप हो गया प्लस माइनस, वो वोल्टेज कैसा डेवलप हुआ है, वी ऑफ टी का वोल्टेज डेवलप हो गया। तो वी कितना होगा, विच इज नथिंग बट एल डी आई बाई डी टी, एल डी आई बाई डी टी, एल डी आई बाई डी टी, दैट इज चेंज इन करंट। तो वोल्टेज कितना होगा, एक इंडक्टर में अगर हम लोग एक एसी वोल्टेज लगाते हैं, याद रखिएगा एसी करंट सोर्स नहीं है ना, करंट सोर्स लगाएंगे तो नहीं होगा कुछ काम, वोल्टेज सोर्स लगाया तो काम हुआ। तो एसी वोल्टेज सोर्स लगाया तो इस इंडक्टर में भी एक वोल्टेज आ जाएगा, विच इज नथिंग बट वी इक्वल टू एल डी आर वी डी टी, विच इज नथिंग बट इंडक्टर वोल्टेज। याद रखिएगा ये भी क्या है, इंडक्टर वोल्टेज, ठीक है। और एल क्या है, इंडक्टेंस, एल इज नथिंग बट इंडक्टेंस, ठीक है। अच्छा इसकी यूनिट क्या होती है, याद रखिएगा हेनरी, हेनरी एक साइंटिस्ट है उनके नाम पे दे दिया गया, एच से रिप्रेजेंट करते हैं हेनरी, हेनरी हेनरी, ठीक है, एच से रिप्रेजेंट करते हैं इंडक्टेंस। इंडक्टेंस भी आपकी किस पर डिपेंड करता है, आपकी डिवाइस पर डिपेंड करता है, डिवाइस के स्ट्रक्चर पे। तो एल डिपेंड किस पे करेगा, एल डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ टर्न्स, दिख रहा होगा ये नंबर ऑफ टर्न्स, जो कॉइल है उसके नंबर ऑफ टर्न्स कितने टर्न्स है, तो एल डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल, जिसे हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके अलावा आप जब आप ईएमएफटी पढ़ोगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पढ़ोगे, तो आप देखोगे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में जब इंडक्टर की बात करें तो इंडक्टर किस पे डील करता है, मैग्नेटिक फील्ड पे, एक मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या फ्लो करता है, चार्ज या करेंट, मैग्नेटिक फील्ड पे क्या फ्लो करता है, फ्लक्स। तो इट इज ऑल्सो डिपेंड ऑन फ्लक्स, जिसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं फाई से, और जो फ्लक्स है वो मैग्नेटिक फ्लक्स है, याद रखिएगा मैग्नेटिक फ्लक्स। ये आपको जब हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पढ़ाएंगे तब उसमें ज्यादा समझ में आएगा ये फ्लक्स क्या होता है। आप बस समझ लीजिए जैसे आपने करंट फ्लो करता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड में, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में फ्लक्स फ्लो करता है, ठीक है। अभी आप टाइम के लिए आप बस इतना टाइम रखिए कि फ्लक्स फाई पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए पहले, तो एल डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ फ्लक्स एंड आल्सो डिपेंड्स ऑन करंट आई, ठीक है। तो तीन चीजों डिपेंड करेगा, एक तो मैग्नेटिक मटेरियल जो आपने इंडक्टर यूज किया उसके नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, फ्लक्स कितना है और करंट कितना है, ओके। प्लीज नोट कर लीजिए जितना भी हो सके जल्दी से नोट कर लीजिए, ठीक है। पार्टिसिपेंट भी कम हो गए, आई डोंट नो मैं खराब पढ़ा रहा हूँ क्या, ऐसा तो मुझे कभी रिस्पॉन्ड नहीं आता, मे बी नेटवर्क अच्छा नहीं होगा,
ठीक है, तो नेटवर्क अच्छा कर लेंगे, इसका इशू नहीं है। आज मेरे को भी लग रहा है थोड़ा सा, मेरा भी नेटवर्क स्लो है, तो मैंने वाईफाई लगवा रखा है, पता नहीं वो क्यों स्लो हो गया। तो मैं उनको एक बार रिस्पॉन्ड कर दूंगा कंपनी वालों को कि प्लीज़ और अच्छा नेटवर्क दीजिए, क्योंकि बच्चों को बहुत इंपॉर्टेंट है नेटवर्क। ठीक है, और कोशिश करते हैं आगे, देखते हैं नेटवर्क कब अच्छा होता है कब खराब होता है। ठीक है, उसमें से कुछ आया है क्या? किसी ने चैट में तो नहीं किया है? ओके, आई हैव वन चैट ऑल्सो। वॉइस क्रैक। ओ तारक, सॉरी, वॉइस क्रैक हो रहा है, क्योंकि होता क्या है, आपने देख रहा होंगे ये मेरा माइक है, तो ये एक्चुअल में हिलता है, तो हो सकता है वॉइस क्रैक कर रहा हो। खैर, इसको डिबग करेंगे, और साथ ही साथ जो मैं बोल रहा हूँ वो मैं लिख भी रहा हूँ। ठीक है, तो ये पीडीएफ नहीं है, जो मैं बोल रहा हूँ लिख भी रहा हूँ, तो आप लोग ग्रैप कर ले रहे होगे आई थिंक। खैर, मैं आगे बढ़ता हूँ, इसको क्लियर कर लेता हूँ। प्लीज नोट्स बनाते चलिएगा, क्योंकि जब हम क्वेश्चन बैंक लगाएंगे, पेपर सॉल्व करेंगे, तब वहाँ पे नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, आपको साइड में नोट्स रखने पड़ेंगे। तो जो मैं बोलूँगा कि मैंने पढ़ाया था, तो आपको तुरंत ग्रैप कर लेना है मैंने पढ़ाया था। ठीक है, तो हमने वोल्टेज बताया, इंडक्टर में कितना वोल्टेज होता है, वी इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। डी आई क्या है? डिफरेंशियल, डिफरेंशियल। डी क्या है यहाँ पे? डिफरेंशियल। मैथ में आपने पढ़ा होगा डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये डिफरेंशियल है, मैथ वाला डिफरेंशियल है, बेसिकली चेंज होता है। तो v इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, तो यहाँ से डी आई कितना हो जाएगा, डी आई कितना हो जाएगा, वन बाई एल इंटू वी इंटू डी टी इंटू एल। देख रहा होंगे, अगर बोथ साइड हम इंटीग्रेशन कर दें, बोथ साइड इंटीग्रेशन कर दें, इंटीग्रेशन कर दें, तो क्या हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट डी आई, दिस इज नथिंग बट वन बाई एल। एल को हम मान के चल रहे हैं कि ये कांस्टेंट है, और हमारा वी जो है वो एसी है, तो वो टाइम के साथ डिपेंडेंट है, क्योंकि चेंज वाला है ना, तो हम मान चल रहे हैं वो डिपेंड कर रहा है वी इंटू डी टी। तो आई आपका कितना हो जाएगा, आई आपका हो जाएगा वन बाई एल वी डी बाई डी टी, वी डी बाई डी टी। ठीक है, तो करंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी, अलग कलर यूज कर लेते हैं। करंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी, आई इक्वल्स टू वन बाई एल इंटीग्रेशन के अंदर वी डी बाई डी टी। और यहाँ पे जो वी है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, याद रखना, एसी टाइप है, डीसी वोल्टेज काम ही नहीं करेगा, पहले बताया हुआ, एसी वोल्टेज काम करता है। ठीक है, तो वी डी वी इंटू टी, तो I की इक्वेशन क्या हो गई, दिस। तो ये I क्या है, बेसिकली इंडक्टर करंट है, इंडक्टर में जो करंट फ्लो कर रही है, इंडक्टर करंट। आपको टाइम के लिए आप इसको L शॉर्ट में यहाँ लगा लीजिए, जिससे आपको पता लग जाए कि ये इंडक्टर करंट की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे आप लगा लीजिए V, सबस्क्रिप्ट में L लगा लीजिए, जिससे आपको पता लग जाए ये इंडक्टर वोल्टेज है, इंडक्टर वोल्टेज। ये कौन सा वोल्टेज है, इंडक्टर। ये कौन सी करंट है, इंडक्टर करंट। देखिए मैंने एल क्यों लगा दिया सर नीचे, क्योंकि आपको पता चल जाए ये इंडक्टर करंट है, ये सर्किट करंट नहीं है, इंडक्टर करंट। क्योंकि जो प्रीवियस सर्किट बना था उसमें लकीली एक ही इंडक्टर लगा था, रजिस्टेंस नहीं लगाए थे, तो अभी हम लोग का जो इंडक्टर करंट है वही सर्किट करंट है। ठीक है, खैर जैसे हम लोग और इसके एग्जाम्पल लेंगे और आपको समझ आएगा, बस ये दो इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ये इंडक्टर वोल्टेज V इक्वल टू एल डी वाई बाई डी टी इम्पॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल आते हैं, और इंडक्टर करंट I इक्वल टू वन बाई एल इंटीग्रेशन V इंटू डी टी। ठीक है, ये आप देख लीजिए। ओके, अच्छा मैंने बोला
इंडक्टर किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ टर्न्स पे। तो इंडक्टर क्या होता है? प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स, फर्स्ट पॉइंट। ओके, इंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फ्लक्स फाई। पीछे लिखा हुआ फाई क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स, पीछे भी लिखवाया हुआ था। एन क्या है? नंबर ऑफ टन्स। ओके, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट आई। तो हम लोग टोटली बोल सकते हैं कि एल इक्वल्स टू एन फाई बाई आई। एल इक्वल टू एन फाई बाई आई। यस, फाई इज चेंजिंग, आई इज चेंजिंग, नंबर ऑफ टर्न चेंज नहीं हो सकते। करंट चेंज हो सकता है और आपका फ्लक्स चेंज हो सकता है। नंबर ऑफ टर्न जो होंगे, एन जो होगा, मैं लिख दे रहा हूँ, नंबर ऑफ टर्न जो होंगे वो ऑलवेज कॉन्स्टेंट रहेंगे, है ना? नंबर ऑफ टर्न से कॉन्स्टेंट रहेंगे, ठीक है? तो प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। एल इक्वल टू एन फाई बाई आई, दिस इज ऑल्सो ए फैराडे लॉ। जहाँ फैराडे पढ़ेंगे, फैराडे लॉ, फैराडे भी बोलते हैं, फैराडे ही बोलते हैं, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पढ़ेंगे तो यहाँ पे ये फैराडे लॉ होता है। कहीं कहीं फैराडे लॉ बोलते हैं, कहीं कहीं फैराडे लॉ बोलते हैं। वैसे करेक्ट प्रोनाउंसिएशन उसका फैराडे होता है, बता नहीं क्यों टीचर फैराडे बोलते हैं। क्या होना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पढ़ाएंगे तब उसमें बताएंगे, अभी तो आपको ऐसे ही चलना है। चलिए नोट डाउन कर लीजिए, प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। तब तक मैं पानी पी लेता हूँ 2 मिनट के लिए। चलिए अपनी क्लास के बाद पानी पीते हैं, है ना? एक चैट भी आ गया है मीन बाइल। सर, इफ इंडक्टर डीसी अपोजिट डीसी वोल्टेज, इन व्हाई इट इज कंसीडर्ड टू बी ओपन सर्किट, व्हाई नॉट सर्किट, बिकॉज ओनली शॉर्ट सर्किट। ओके, इफ इंडक्टर अपोजिट डीसी वोल्टेज, नहीं मैंने बोला बेटा अनियांग टाटू अनियांग, आप एक बात रखिएगा, मैंने बोला है इंडक्टर अपोजिट एडीसी करंट, नॉट डीसी वोल्टेज, ठीक है? क्योंकि ये थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, डीसी करंट नहीं फ्लो होती, डीसी वोल्टेज फ्लो होता है, सॉरी। अच्छा अच्छा, हाँ ओके ओके ओके, मैंने कुछ सही लिखा आपने, सॉरी। मैं बताता हूँ, डीसी करंट नहीं है, डीसी वोल्टेज है। तो इंडक्टर अपोजेस डीसी करंट, देन व्हाई इट इज कंसीडर्ड टू बी ओपन सर्किटेड, व्हाई नॉट शॉर्ट सर्किटेड। एक बार बताइए अनियांग, एक बार बताइए अनियांग का क्वेश्चन है, अनियांग का क्वेश्चन अच्छा है, एक डाउट है। अनियांग का कहना है कि इंडक्टर है और मान लीजिए हमने एक वोल्टेज लगा दिया डीसी वोल्टेज 5 वोल्ट, तो ये कह रहे हैं कि यह अगर अपोज करेगा तो ये ओपन सर्किट क्यों नहीं, क्यों ये शॉर्ट सर्किट नहीं होगा? आप बताइए अपोज का मतलब क्या होता है? अपोज का मतलब होता है फ्लो ना कराना। अपोज का क्या मतलब होता है? फ्लो ना कराना। तो ये क्या हो जाएगा? हाँ ओके 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 ओके, आप बोलो ओके, तो ये क्या हो जाएगा? 5 वोल्ट अपोज करेगा तो ये क्या हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट अनियांग। आप बोल रहे हो कि अगर ये 5 वोल्ट है, ये अपोज कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट। बिल्कुल सही, मैंने गलती कर दी है, प्लीज उसको सही कर लीजिएगा। अनियांग ने बहुत सही बोला, जब हमारा वोल्टेज अपोज करता है, जब वोल्टेज 0 होता है तो उसे हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। जहां मैंने लिखा है ना डीसी वोल्टेज अपोज करेगा, डीसी वोल्टेज जब फ्लो करेगा
तो वो क्या होगा, ओपन सर्किट नहीं। जहां करंट जीरो होता है वहां ओपन सर्किट होता है, जब वोल्टेज जीरो होता है तो शॉर्ट सर्किट होता है। थैंक यू अनियांग, आपने मुझे करेक्ट किया, मैंने वो करंट के चक्कर में वो मिस कर दिया था और उसे लिख दिया था ओपन सर्किट, वहां पे शॉर्ट सर्किट कर लीजिएगा। ओके थैंक यू अनियांग, प्लीज ऐसे ही मुझे करेक्ट कर दीजिए, क्योंकि क्या होता है कि हम लोग को याद नहीं होता, हम बस लिखते चले जाते हैं तो कभी कभी पॉइंट गलत हो जाता है, क्योंकि नोट बहुत पहले पढ़ाया होता है तो कभी कभी कुछ पॉइंट मिस हो जाता है। ठीक है, थैंक यू, आपने मुझे डाउट गलत चीज पढ़ाने पर जा दिया। ठीक है, क्योंकि नोट्स हम लोग बात होते नहीं, सब दिमाग में भरा होता है तो चीजें गलत हो जाती हैं। ठीक है, खैर थैंक यू अगेन। खैर तब तक आपने मीन भाई ये आपने नोट कर लिया होगा। हाँ फिर से बता देता हूँ, जहां मैंने लिखा था कि व्हेन डीसी वोल्टेज इज अप्लाइड इंडक्टर बिहेव लाइक ओपन सर्किट, उसको कर लीजिएगा इंडक्टर बिहेव लाइक शॉर्ट सर्किट। यहाँ लिख भी देता हूँ, व्हेन डीसी वोल्टेज अप्लाइज इंडक्टर, ओके, बिहेव ओपन सर्किट। ठीक है, थैंक यू अनियन एंड एवरीवन, प्लीज अनियन को थैंक यू बोलना। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, क्लियर ऑल करते हैं। अब एक इंडक्टर होता है, बहुत फेमस इंडक्टर होता है, जो बोलते हैं सोलेनोइड, सोलेनोइड, ये भी काफी बार आपने पूछा जाता है, वो कैसा इंडक्टर होता है? उसमें कुछ नहीं होता, एक इंसुलेटर होता है, इंसुलेटर होता है, उसमें आप क्या करते हैं, मेटल का वायर रैप कर देते हैं इस तरीके से। जैसे ये मान लीजिए एक इंसुलेटर है, इसमें हमने मेटल का वायर रैप कर दिया, तो एक सोलेनोइड बनाता है, एक सोलेनोइड बनाता है। लेट्स सपोज दैट इसमें आपके टर्न्स आपके एन है, और सोलेनोइड की केस में बोल रहा हूँ, सोलेनोइड क्या होता है, ये आपका एक इंसुलेटर होता है, इंसुलेटर, और इसमें आप एक वायर, ये वायर है, उसके वायर को रैप कर देते हो, लपेट देते हो, तो यहाँ से करंट जा रही होती है आई की, यहाँ से करंट निकल रही होती है, और उसमें एन टर्न्स होते हैं, कैपिटल एन टर्न्स होते हैं, तो ऑब्वियसली इसमें क्या होगा, कैपिटल एन टर्न्स है, और लेट्स सपोज दैट इस वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया स्मॉल ए है, और लेट्स सपोज दैट ये वायर की लेंथ है एल, लेट्स सपोज दैट इस वायर की लेंथ है एल, और इसका परमियाबिलिटी, याद रखिए हम मैग्नेटिक मटेरियल, इंसुलेटर इज नॉर्मली मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल, इंसुलेटर नॉर्मली मैग्नेटिक मटेरियल होता है, ऐसा नहीं है कि हर इंसुलेटर मैग्नेटिक मटेरियल है, मैं नॉर्मली मैग्नेटिक मटेरियल इंसुलेटर होता है, तो एक मैग्नेटिक मटेरियल इंसुलेटर का, वन सेकेंड, ओके मे बी नेटवर्क नहीं अच्छा है, फिर से मैं कह देता हूँ नेटवर्क चला गया था, तो मैं फिर से बता रहा हूँ कि एक इंसुलेटर या मैग्नेटिक मटेरियल पे हमने एक क्वाइल रैप करी है, जिसका लेंथ एल है, उस पे एन टर्न्स हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, सेक्शन एरिया ए है, और एक मैग्नेटिक मटेरियल है, उस मटेरियल का एक परमियाबिलिटी होता है, परमियाबिलिटी होता है, जब हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पढ़ाएंगे तो परमियाबिलिटी पढ़ाएंगे, जिसको हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, वो बेसिकली बताता है कि जिसकी जितनी ज्यादा परमियाबिलिटी, उसमें मैग्नेटिक फील्ड उतनी ज्यादा फ्लो करेगी, या उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स उतना ज्यादा फ्लो करेगा। ठीक है, तो परमियाबिलिटी मटेरियल पर डिपेंड करता है, मैग्नेटिक मटेरियल पर डिपेंड करेगा, क्योंकि मैंने बताया इंडक्टर हमेशा मैग्नेटिक मटेरियल पे, मैग्नेटिक फील्ड जहाँ होगी वहां पे आएगा, तो मैग्नेटिक मटेरियल की एक परमियाबिलिटी होती है म्यू, वो बताता है कि कितना ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स आसानी से फ्लो हो जाएगा, हाउ इजीली मैग्नेट सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, नेटवर्क चला गया था। ठीक है,
तो आपके पास स्क्रीन भी चली गई होगी। आई एम सॉरी, मुझे फिर से लिखना पड़ेगा, मैं फिर से लिख देता हूँ, नेटवर्क चला गया था। अगेन सॉरी। ठीक है, तो एक सोलेनोइड की बात कर रहे थे, सोलेनोइड की बात कर रहे थे। सोलेनोइड में हमने क्या बताया था, मान लीजिए एक सोलेनोइड है जिसमें एक मैग्नेटिक मटेरियल है, एक मैग्नेटिक मटेरियल है जिसका परमियाबिलिटी क्या है, म्यू। जब हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी पढ़ाएंगे तो परमियाबिलिटी बताएंगे, तो इसका परमियाबिलिटी क्या है, म्यू। इसको कर देते हैं, ठीक है, म्यू है। तो परमियाबिलिटी बेसिकली क्या होता है, बताया मैंने अभी, परमियाबिलिटी क्या होता है, ईज ऑफ फ्लो ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स कि मैग्नेटिक फ्लक्स कितनी आसानी से फ्लो कर रहा है। ठीक है, ईज ऑफ फ्लो ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, जैसे कि जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी पढ़ाएंगे तब उसमें बताएंगे क्या होता है परमियाबिलिटी। ठीक है, परमिटिविटी भी होती है, आगे हम कैपेसिटर पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे। ठीक है, और लेट सपोज दैट इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो आपका ए है, और लेट सपोज दैट आपने इस मैग्नेटिक मटेरियल में एक वायर रैप किया है? और इसमें एक करंट जा रहा है आई का, एक करंट निकल रहा है। इस वायर्स में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? ठीक है, तो इसका सोलेनोइड का इंडक्टेंस कितना हो जाएगा, एल। एल इज नथिंग बट म्यू इंटू एन स्क्वायर इंटू ए बाई एल, वेयर एल इज नथिंग बट दी लेंथ। एल इज नथिंग बट दी लेंथ ऑफ वायर। तो किसी भी सोलेनोइड का इंडक्टर क्या होता है, इसका एक प्रूविंग है, बट लकीली आपके लिए प्रूविंग ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको फॉर्मूला बताना चाहिए सोलेनोइड के लिए। एक सोलेनोइड के लिए आपका इंडक्टेंस क्या है, एल, विच इज नथिंग बट म्यू इंटू एन स्क्वायर इंटू ए बाई एल, और एल को यूनिट क्या होगी, हेनरी। याद रखिएगा, हेनरी इज इट्स यूनिट। ठीक है, हेनरी। ठीक है, आप सब लोग को नेटवर्क मिल रहा है, प्लीज मुझे बता दीजिएगा। आई थिंक दैट नेटवर्क आ रहा है। ठीक है, तो सोलेनोइड के बारे में देखा, परमियाबिलिटी म्यू होती है, बेसिकली म्यू जो होता है विच इज नथिंग बट म्यू नॉट इंटू म्यू आर होता है। म्यू नॉट क्या आता है, म्यू नॉट इज नथिंग बट परमियाबिलिटी इन वैक्यूम। परमियाबिलिटी इन वैक्यूम। ठीक है, ओके। तो मैं बता रहा था एल के बारे में, इट्स नथिंग बट इंडक्टेंस। तो परमियाबिलिटी म्यू के बारे में बताया था, म्यू क्या होता है, म्यू नॉट इंटू म्यू आर। तो म्यू नॉट क्या होता है, परमियाबिलिटी इन वैक्यूम। वैक्यूम या नॉर्मली इसको लूज सेंस में बोल सकते हैं एयर। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, याद रखिएगा, म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 pi into 10 की पावर -7 हेनरी पर मीटर। याद रखिएगा, फिर से बोल रहा हूँ, परमियाबिलिटी की यूनिट आप याद रखिएगा, यूनिट कितनी होती है, यूनिट सबकी पता होनी चाहिए, इसकी यूनिट होती है हेनरी पर मीटर।
यूनिट क्या होती है? हेनरी पर मीटर। ओके ओके, और ये हो गया म्यू नॉट, ठीक है। और म्यू आर क्या होता है? रिलेटिव परमियाबिलिटी, रिलेटिव परमियाबिलिटी विच इज नथिंग बट डिपेंड ऑन मटेरियल। इस पे डिपेंड करती है मटेरियल डिपेंडेंट, मटेरियल डिपेंडेंट। तो मटेरियल चेंज करेंगे तो म्यू आर चेंज होगा, तो म्यू इज नथिंग बट म्यू नॉट इनटू म्यू आर। ये भी नोट कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। गेटिंग माय पॉइंट? फिर नोट कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, आप लोगों को समझ आ रहा होगा आई थिंक सो। हो सकता है बीच बीच में नेटवर्क चला जाता है, तो ये इशू है, बच्चों के साथ भी है, और हम तो कोशिश कर ही रहे हैं कि आपका नेटवर्क अच्छे से अच्छा है। सर वीडियो वॉइस इज ब्रेकिंग अप। हाँ बच्चे, ऑटो वीडियो ब्रेक कर रहा है, वॉइस ब्रेक कर रहा है, आई डोंट नो वॉइस क्यों ब्रेक कर रहा है, बट आपके पास जो भी मैं बोल रहा हूँ वो लिख भी रहा हूँ, तो आपको वॉइस ज्यादा ब्रेक कर भी रहा है, तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि हम लिख भी रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज इसको नोट डाउन जल्दी कर लीजिए, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ नोट डाउन कर लीजिए। इंडक्टर सर, इंडक्टेंस को कम से कम कर ही लेते हैं। ओके, व्हाट इज रिलेटिव परमियाबिलिटी? देखिए रिलेटिव परमियाबिलिटी जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी पढ़ाएंगे तो बताएंगे। रिलेटिव परमियाबिलिटी होती है बेसिकली, परमियाबिलिटी क्या होती है? परमियाबिलिटी बताया ना कि मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, वो बताती है कि जिसकी जितनी ज्यादा परमियाबिलिटी उतनी आसानी से उसमें मैग्नेटिक फील्ड फ्लो कर जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड फ्लो करने का मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लो कर जाएगा। तो परमियाबिलिटी क्या होता है? म्यू नॉट इंटू म्यू आर। तो म्यू नॉट तो कॉन्स्टेंट हो गया, म्यू नॉट तो कॉन्स्टेंट हो गया 4.2×10⁻¹। म्यू आर किस पे डिपेंड करेगा? मटेरियल पे। तो ये रिलेटिव परमियाबिलिटी इज नथिंग बट मटेरियल परमियाबिलिटी, समझ लीजिए। ये परमियाबिलिटी एक मटेरियल की परमियाबिलिटी है। जैसे हम बोले कि एक आयरन और एक मैग्नेट दो लेते हैं, एक आयरन लेते हैं और एक मैग्नेट लेते हैं, तो अगर इसका बोलते हैं आयरन मैग्नेट में मैग्नेटिक मटेरियल सबसे ज्यादा कौन है? आप बोलोगे सर मैग्नेट है, तो हम बोलेंगे इसका जो म्यू आर है या रिलेटिव परमियाबिलिटी है मैग्नेट का, और इसका म्यू आर जो है आयरन का, तो आप बोलोगे सर मैग्नेट जो होगा वो ज्यादा मैग्नेटिक मटेरियल है, ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड आएगी तो उसका म्यू आर ज्यादा होगा, समझ गए? तो मैग्नेट और आयरन की बात कर रहे थे, तो आयरन और मैग्नेट में आपने क्या बोला? लोहे और चुंबक में सबसे ज्यादा मैग्नेटिक मटेरियल कौन होगा जिसमें मैग्नेटिक फील्ड होगी? ऑब्वियसली चुंबक में, मैग्नेट में, तो उसका रिलेटिव मैग्नेटिक परमियाबिलिटी उतना ज्यादा होगा। सिंपल तरीके से बात करते हैं, समझ में आया रिलेटिव परमियाबिलिटी? ठीक है, नहीं समझ में आया तो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वैसे मैंने समझा दिया अच्छे से, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो जब हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी पढ़ाएंगे तब उसमें आपको बताएंगे, अच्छे से बताएंगे क्या होता है आपका रिलेटिव परमियाबिलिटी। बट आप समझ लीजिए वो परमियाबिलिटी जो मटेरियल पर डिपेंड करे। अब म्यू नॉट क्योंकि कॉन्स्टेंट हो जाता है तो वो तो सबके लिए सेम ही रहेगा, तो चेंज क्या होगा? अलग अलग म्यू, म्यू आर चेंज होता है इसलिए म्यू चेंज होता है। ओके, गेटिंग माय पॉइंट? चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हमने बोला नेक्स्ट डालिएगा इनर्जी स्टोर्ड इन
इंडक्टर, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। याद रखिएगा किसी भी एलिमेंट में करंट फ्लो करता है या आपका वोल्टेज अप्लाई होता है तो वो हमेशा एक एनर्जी स्टोर करता है। तो आप याद रखिएगा एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट आपके दो हैं। स्टोरिंग एलिमेंट इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं, आपके पास दो हैं, एक तो आपके पास कैपेसिटर है और दूसरा आपके पास इंडक्टर है। कैपेसिटर आगे पढ़ाएंगे तो बताएंगे। तो इंडक्टर में एनर्जी किस फॉर्म में, जैसे ये मान लीजिए एक इंडक्टर है, यहाँ पे एक आई की करंट जा रही है, एक आई की करंट बाहर निकल रही है। तो जहाँ पे एक करंट फ्लो करेगा वहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हमेशा क्लोज लूप में होती है। तो आप देख रहे होंगे एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स फ्लो करती है, ये जो ब्लैक कलर से दिखा रहे हैं वो मैग्नेटिक फील्ड है, एक मैग्नेटिक फील्ड फ्लो करता है। तो एक इंडक्टर में जो करंट आई फ्लो हो रही थी, एक आई करंट फ्लो होने से उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। जब भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी तो एक मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड होगी, एनर्जी स्टोर्ड होगी जिसे हम लोग बोलेंगे ई एनर्जी। और क्योंकि मैग्नेटिक है इसलिए एम सब्स्टिट्यूट में लिख देते हैं, जरूरी नहीं एम लिखो, बट क्योंकि अगर आपको इलेक्ट्रिक एनर्जी की बात करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो एम साइड में लिख लिया करो जिससे आपको पता लग जाए ये मैग्नेटिक फील्ड वाली एनर्जी है। तो वो कितना हो जाएगा, एक इंडक्टर के केस में जिसमें आई की करंट फ्लो हो रही है वो हो जाएगा 1/2 एल इंटू आई का होल स्क्वायर। यह एल इज नथिंग बट इंडक्टेंस, आई क्या है करंट फ्लोइंग इन द इंडक्टेंस, और इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट हमेशा ये रखना आपकी जो एनर्जी की यूनिट क्या होती है, एनर्जी की यूनिट होती है जूल, ठीक है जूल, जूल ठीक है, या जे से रिप्रेजेंट कर दो, ठीक है सन आया। तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, एनर्जी कितनी स्टोर होती है, हाफ एल आई स्क्वायर, बस आपको इतना पता होना चाहिए। इसकी प्रूविंग होती है, पर प्रूविंग आपको ज्यादा इम्पोर्टेंट है ही नहीं, आपका ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बोल सकते हैं, क्योंकि ये जितने भी मैंने स्टार लगाए हैं ना बॉक्स के अंदर बंद करते आ रहा हूँ, ये फॉर्मूले हैं, जब हम क्वेश्चन लगाएंगे तो आप देखेंगे डायरेक्टली इस फॉर्मूले का यूज होगा। तो जितने भी मैं नोट्स बनाता जा रहा हूँ वो एक्चुअल में नोट्स नहीं है, वो क्वेश्चंस ही हैं, वो फॉर्मूले ही हैं, वो बहुत प्रिसाइज नोट्स हैं। तो प्लीज़ आगे भी आप क्लासेस करते रहिएगा, एक बार कंफर्म कर दिया जाएगा कि कल भी आपको डेमो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वैसे तो दो दिन का डेमो था, संडे का और मंडे का, तो देखते हैं आगे हम लोग क्या करते हैं, आपको अपडेट कर दिया जाएगा, क्योंकि कल की क्लास इतनी अच्छी नहीं हो पाई थी। होप तो आज की क्लासेस अच्छी हुई हों, थोड़ी सी आवाज़ की प्रॉब्लम बच्चे कह रहे थे, तो मैं कल से एक हायर डेफिनेशन का हेडफोन यूज़ करूँगा, हेडफोन से आपकी आवाज़ भी आ जाएगी। तो मैंने माइक ही यूज़ किया था हायर डेफिनेशन का, आप देख पा रहे होंगे ये माइक है, बट फिर भी क्रैक क्यों हो रहा है, शायद मैं हिल रहा हूँ इसलिए क्रैक हो रहा होगा, खैर जो भी है वो आपके लिए बहुत सिंपल रहेगा। थैंक यू, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, कुछ भी आपके पास कमेंट हो अच्छा, या हम कैसे आपके लिए और अच्छी सर्विसेज कर सकते हैं, आई थिंक दैट एक तो आपके पास प्रॉपर पॉइंट होगा कि सर नेटवर्क प्रॉब्लम, हमारी भी प्रॉब्लम है तो आपकी प्रॉब्लम, सबकी प्रॉब्लम है, तो वो थोड़े से इश्यू है, बट सबसे अच्छी बात यह है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो लिखवाता चला जा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको ये ज़्यादा प्रॉब्लम आनी भी नहीं चाहिए कि सर ये प्रॉब्लम है कि आपका वॉइस फंस रहा है, वीडियो फंस रहा है, या आप लोग 2G या 4G यूज कर रहे हो, आपके यहाँ नेटवर्क कम है तो आपका वीडियो फंस रहा हो, तो आपको प्रॉब्लम नहीं, जो अपनी आपका वैसे भी मैं लिखवा भी वही रहा हूँ जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है, तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी, तो आप उसको करिएगा।
और आज के लिए इतना ही रखते हैं आई थिंक दैट, और कोई क्वेश्चंस हो, और चैट आया है, ओके गुड नाइट सर, सर योर व्हाट्सएप नंबर, ओके ग्रुप पे वैसे पढ़ा है बट मैं व्हाट्सएप नंबर लिख दे रहा हूँ, ठीक है, आप मुझे पर्सनली भी मैसेज कर सकते हो, ठीक है, तो प्लीज़ व्हाट्सएप नंबर ले लीजिएगा, नाम तो आपको बताइए, अंकित त्रिवेदी, ठीक है, एक्सपर्ट तो आपको बताइए इलेक्ट्रिकल है, व्हाट्सएप नंबर कॉलेज नंबर दोनों ही सेम है 9456846866, ओके फिर से बोल दे रहा हूँ 9456846866, ओके आपको जो भी इश्यू हो, जो भी क्वेश्चन पूछना हो या जो भी नहीं है कि आपको आगे भी कभी जरूरत हो हमारी, तो आप वेलकम है, आपके पास नंबर है, आप उससे बेहिचक पूछते रहिएगा, ओके कोई एक और आया है, थैंक्स गुड नाइट, ओके गुड नाइट ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर बियरिंग मी इन वॉचिंग मी, बाय बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड विद अस, ओके ओके बाय।